गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी एंड ऑल्सो इन द वेलकम द सेशन ऑफ द रैपिड कोर्स ऑफ कैमका टेक्नोलॉजी उम्मीद करता हूँ मस सब मस्त हो गए सब स्वस्थ हो गए और मस्त तरीके से अपना गेट का प्रिपरेशन आप सभी लोग कर रहे हो गए सो so बेटा आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपका जो कैमका uh, टेक्नोलॉजी का जो रैपिड कोर्स है उसका लेक्चर नंबर आज हमारा फोर्थ है वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ जितना भी पार्ट अभी तक आपने कवरअप किया है उसका रिविजन भी आप सभी ने स्टार्ट कर दिया होगा इस सब्जेक्ट का रिवीजन थोड़ा सा आपको फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो आपको रिकॉल रहें इसलिए जो भी आपको पढ़ा रहा हूं उसका टाइम पर रिवीजन बहुत जरूरी है ओके सो गुड मॉर्निंग एवरी एंड नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी नमस्ते सो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपके पास में आज से जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ये पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है रीज़न ये है कि यहाँ से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बनते हैं क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं और अगर देखा जाए तो पूरे पॉलीमर वाले पार्ट का ठीक है ना एक जो बेसिक हमारे पास में होता है तो उस बेसिक पार्ट से हमारे पास में क्या है ये सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है ना इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जो हमारे एक बेसिक मैनुफैक्चरिंग होती है जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास होती हैं उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग एवरीवन और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक गेट का फॉर्म फ़िलअप ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा मैं इसलिए आपको डेली रिपीट करता हूँ रीज़न ये है कि पता नहीं आपकी किस्मत कब चमक जाए ठीक है ना बस आप थोड़ा सा सीरियस बोर्ड में अगर आप चल रहे हैं तो गेट का फॉर्म ज़रूर भरिए अगर आपने एक सब्जेक्ट किया है तो अभी आपके पास टाइम है आप दो से तीन सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है अगर आपने सब्जेक्ट्स ज़्यादा कर रखे हैं तो आपके पास अभी इतना टाइम है कि उन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं कॉन्फिडेंस आपका गेट के एग्जाम के दिन तक नहीं आएगा इस कॉन्फिडेंस के बारे में मत सोचिएगा ठीक है ना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता है मेन चीज़ ये है कि आप जितना कर रहे हैं उसमें अपना एफर्ट देते रहिए तो आपका एफर्ट देना ज़रूरी है इस बार अभी आपने देखा होगा एनपीसीएल की जो वैकेंसी आई है उस एनपीसीएल की वैकेंसी में हमारे पास 2022, 23 और 24 तीन साल का स्कोर वैलिड है तो अगर आप थर्ड ईयर में भी हैं अगर आपका थर्ड ईयर में भी गेट अगर निकल जाता है 2024 का स्कोर आपको अगर मिल जाता है और आपकी रैंक अगर बहुत अच्छी आ जाती है लाइक like अंडर 150 फिफ्टी या अंडर हंड्रेड आपकी रैंक अगर आ जाती है फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर में तो ये आपका स्कोर वैलिड रहेगा नेक्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट के लिए इसलिए मैं आप सभी से बोलता हूँ थर्ड ईयर वालों से कि आप लोग थोड़ा सीरियस रहा करो आप ये मत सोचा करो कि मेरे को इस बार तो बस जस्ट ट्राई करना है नहीं अपना पूरा एफर्ट देने का ट्राई करो रीज़न ये है कि आपके पास ये जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है बार बार नहीं मिलती है ठीक है ना एटलीस्ट थर्ड ईयर वालों को अटेंड करने का मौका मिल रहा है बहुत अच्छी चीज़ है नहीं तो अगर आपको सिंपली एक ही अगर अटेंड करने का मौका मिलता साथ सीधे फाइनल ईयर के बाद में सोचिए जरा कितना आपका टाइम बर्बाद होता बिकॉज उस टाइम पर आपके पास टेंशन ये होती है कि आपके हाथ खाली होते हैं अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट मिला है तो ठीक है अदरवाइज़ आप फिर ड्रॉप ले करके क्या करते हैं प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पर एटलीस्ट आपको ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ेगा आपके पास अगर अच्छा सा स्कोर अगर पहली बार में आ जाता है तो यहाँ से काफ़ी कुछ जो है ना आपको करने का मौका मिल जाता है ठीक है ना चलो जी तो जल्दी से एक बार लिंक जैसा मैं आपसे बोलता हूँ डेली जल्दी से एक बार लिंक शेयर कर दो जैसे कि जो लोग भी क्लास के अंदर डेली आते हैं उन सभी के पास लिंक रहे वो लोग क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकें ठीक है और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है डेली मेरे पास में कमेंट्स आते हैं कि सर प्लीज़ पी दे दीजिए सर प्लीज़ क्वेश्चन का पी दे दीजिए मैंने आपसे बोला है सही टाइम आने पर मैं आपको सब कुछ शेयर कर दूँगा ठीक है ना तो अभी जस्ट आप वेट कर लो आपके पास में आज जो मैं टॉपिक कवर अप करूँगा बिकॉज इस टॉपिक के बाद हमारे पास आप क्वेश्चन करने के लायक हो जाओगे तो यहां से आपके पास में क्या है आपको जब पीडीएफ दे दी जाएगी तो आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे बिकॉज क्लास के अंदर खुद लगवाऊंगा ठीक है ना चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अच्छा अपनी क्लास को तो so भाई जो भी आज मेरे साथ अभी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो उनको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं खुद से कि माय नेम इज सुमित प्रजापति फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन दन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट इन द गेट एंड पी एड एग्जाम जो सब्जेक्ट्स मैं आपके लिए फिनिश कर रहा हूँ अभी गेट ट्वेंटी के लिए मैकेनिक्स ट्रांसफर ऑपरेशन प्रोसेस एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल ऑपरेशन इनमें से मेरा तीन सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके प्लस के प्लेटफॉर्म पर भी फिनिश हो चुके हैं और इसके अलावा मेरा फोर सब्जेक्ट अभी रनिंग में है और मैकेनिकल ऑपरेशन जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ये सब्जेक्ट मैं आपका रैपिड कोर्स के फॉर्म में आपको लेकर के आऊँगा यूट्यूब में ठीक है तो उसके लिए आप लोग वेट करिए बाकी आप मेरा कोड एस के पी हंड्रेड कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी आप कोर्स लेना चाहते हैं या फिर कोई भी आपको इस कॉम्प्यूटर टैस सीरीज़ देना चाहते हैं वहाँ पर मेरा कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आपके पास मैंने अकेडमी लर्निंग ऐप ज़रूर होना चाहिए नहीं है तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए लॉग इन कर सकते हैं इंस्टॉल करके एक बात और वहाँ से आप मेरा प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं और मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो भी मैं पी दूंगा इस लेक्चर की वो सारी कम्युनिटी सेक्शन में ही दूंगा तो कम्युनिटी सेक्शन में जा करके आप खुद ही डाउनलोड कर पाएंगे आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है ठीक है ना तो ये बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो चलिए जी तो कल जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था वहां से टॉपिक स्टार्ट करते हैं उम्मीद करता हूँ कल जितना हमने डिस्कस किया था वो आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस मेजर डिफरेंस बिटवीन द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ठीक है तो सपोज मान लीजिए हमारे पास में अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर हमारे पास में ठीक है कि अगर उस कंपाउंड के पास में एक फंक्शनल ग्रुप है और एक हमारे पास में क्या है एक डबल बॉन्ड बॉन्डगर है या ट्रिपल बॉन्ड बॉन्डगर है तो ऐसा अगर हमारे पास कोई मोनोमर अगर, अगर अवेलेबल है तो ये मोनोमर किस तरह की रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है क्वेश्चन को दोबारा ध्यान सुनिएगा सपोज़ मान लीजिए हमारे पास में एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है और उसके साथ साथ एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो ऐसा हमारे पास में कंपाउंड किस टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एडिशन और कंडेंसेशन जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपने अगर अगर अच्छे से समझ लिया है तो मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो कि आपके पास में कंपाउंड है ठीक है ना जिसके पास डबल बॉन्ड है और दूसरा हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ठीक है ना एक हमारे पास डबल बॉन्ड का कंपाउंड है और एक हमारे पास जो तो कंपाउंड है उसके पास सपोज मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमारे पास कंपाउंड अगर है तो वहाँ पर रिएक्शन हमारे पास में होगी ठीक है ना तो इरेक्शन किस तरह की होगी बिकॉज देखा बोथ बाकी लोग भी आंसर कर सकते हो जल्दी से गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग एवरीवन बाकी लोग भी जल्दी से आंसर कर सकते हो क्वेश्चन का आंसर किया करो यार यार गलत होगा एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि हाँ कुछ आपके अंदर गलती थी उसका करेक्शन हो जाएगा इसलिए आंसर ज़रूर किया करो जल्दी से आंसर किया करो चलो मैं जल्दी से एक पूछ ही लेता हूँ मेरे को फटाफट से आंसर करना है किस टाइप का पॉलीमराइजेशन यहां पर होगा एडिशन या कंडेंसेशन फटाफट देखो और मेरे को आंसर करो ठीक है ना जल्दी से मेरे को देख कर के, आंसर करके जल्दी से बताओ किस टाइप के पॉलीमराइज़ेशन यहां पर होंगे फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए वन डैश करके टू डैश करके थ्री डैश फोर डैश करके मेरे को आंसर करके लिखो जल्दी से किस टाइप के पॉलीमराइज़ेशन हमको यहां पर देखने का मौका मिलेगा <laughs> जल्दी से बताओ जल्दी से बॉन्ड वाला एडिशन और फंक्शनल ग्रुप वाला कंडेंसेशन। बेटा ये सारे जो कंपाउंड लिखे हैं वो एक रिएक्शन है अलग अलग नहीं है ठीक है ना जैसे मैंने ये लिखा है तो ये एक रिएक्शन है यहाँ से जो पॉलीमर बनेगा कैसे बनेगा एडिशन कंडेंसेशन आपको ये बताना है अपूर्व एडिशन धवल बोथ बट बॉन्ड एडिशन फंक्शन ग्रुप कंडेंसेशन विकास, सेकंड एडिशन थर्ड बोथ फोर्थ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, सिक्स वाला रिंग ओपनिंग चलो काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे हैं ठीक है ना मैं भी आंसर कर देता हूँ बिकॉज इतना टाइम नहीं है अपने पास में देखो ध्यान से ज़रा एक चीज़ हमको पता है कि अगर हमारे पास में जैसा कि हमको पता चला था कल कि अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन की हम अगर बात करने जाते हैं तो उस केस में हमारे पास में एक सिंपल सा चीज़ ये है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन uh, के अंदर में हमारे पास कोई ना कोई एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होना चाहिए बिकॉज उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड को ही हमारा इनिशिएटर या फ्री रेडिकल क्या करेगा इनिशिएटर क्या करेगा फ्री रेडिकल जनरेट करके देगा ठीक है ना ये चीज़ पता है और एक चीज़ और रिकॉल करा दे रहा हूँ कि एडिशन पारिमोशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो कि हमारी फास्ट रिएक्शन होती है रीजन है एडिशन पार्शन रिएक्शन हमारी एक एक्सोथर्मिक एक रिएक्शन होने की वजह से तो रिएक्शन हमारी फास्ट होती है ठीक है ना ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होंगे जब <coughs> कि कंडेंसेशन के अंदर हमारे पास में क्या है कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप्स हमें चाहिए जहां से एक बाई प्रोडक्ट का बनना जरूरी है ध्यान सुनिएगा अगर ये सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल नहीं है तो मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ दो फंक्शनल ग्रुप्स का होना जरूरी है जिससे हमारे पास एक प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा ठीक है ना कुछ एक्सपर्नल केसेस के अंदर प्रोडक्ट नहीं भी मिलता है और तीसरा कि हमारे पास जो कंडेंसेशन पाइमोनेशन रिएक्शन है वो एक स्लोअर रिएक्शन है बिकॉज वो स्टेप वाइज स्टेप कंप्लीट होती है बहुत ध्यान सुनिएगा पहला जो रिएक्शन हमारे पास लिखा है पहला रिएक्शन जैसे काफी लोग बोल रहे हैं कि बोथ है ठीक है ना तो बोथ के ऑप्शन आपके पास नहीं होते हैं हमारे पास में रिएक्शन या, तो या तो एडिशन से बनेगा या कंडेंसेशन से बनेगा पहला जो रिएक्शन हमारे पास लिखा हुआ है वहां पर एक एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड है 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 दूसरा हमारे पास में बेंजीन रिंग ऊपर लिखा हुआ है। अगर इन दोनों का रिएक्शन आप कराना चाहते हो मेरे को इतना सिंपली बता दो जरा कि इन दोनों का रिएक्शन कराने के लिए क्या इस कंपाउंड के पास कैपेबिलिटी है डबल बॉन्ड ब्रेक कर लेगा नहीं तो जब भी हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड आपको दिखेगा तो हर केस में हमारे पास एक इनिशिएटर की जरूरत पड़ेगी क्या है बोला मैंने जब भी ये डबल या बॉन्ड आपको दिखेगा तो हर केस में हमारे पास क्या है एक इनिशिएटर की जरूरत पड़ेगी बिकॉज वो इनिशिएटर के बिना ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो भी कंपाउंड है ठीक है ना ये हमारा कंपाउंड क्या करेगा रिएक्शन में एक्टिवेट नहीं होगा पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो इनिशिएटर ही हमारा क्या करेगा इस डबल बॉन्ड को और इस बेंजीन रिंग को ओपन करने में क्या करेगा मदद करेगा तो ये पहला आपके पास लिखा हुआ एग्जांपल है ये हमारा सीधे एडिशन पॉलिमराइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ठीक है ना आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि कही न कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हमारे पास आपको भी सारे आगे देखने का मौका मिलेगा इसलिए मैं आपसे आज पूछ रहा हूं ताकि अगर मैं कोई प्रोडक्ट आगे बनाऊंगा वहां अगर मैं कोई कंपाउंड लिखूंगा तो एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस मैकेनिज्म से बन रहा है एडिशन से या कंडेंसेशन से इसलिए आज पता चल जाए ज्यादा अच्छा है अगला जो कंपाउंड लिखा सिंपली ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है हमें पता है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर हमारे पास

तो रियक्शन में एनर्जी रिलीज़ होगी रिएक्शन हमारी फास्ट होगी और उस कंडीशन में रिएक्शन का रेट हाई होगा और ये सारी क्वालिटी सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर ही आती हैं इस डबल बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे अच्छा किसी के पास है इतनी पावर कि यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो उसको इन एनर्जी को रिलीज ना होने दे रोक के रखे नहीं नहीं हम तो कंडेंसेशन कर रहे हैं हम एडिशन नहीं चाहिए मना कर दे नहीं नहीं हम एडिशन चाहिए नहीं भाई जाओ तुम हम कंडेंसेशन कर लेंगे चलो कंडेंसेशन करके दिखाओ यहाँ पर पॉसिबल है क्या डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे एनर्जी रिलीज होगी कुछ नहीं कर सकते हो एनर्जी रिलीज हुई मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई मतलब रिएक्शन का रेट हाई रिएक्शन का रेट हाई मतलब कन्वर्जन लो सिंपल केमिस्ट्री ठीक है ना तो किसी भी कंडीशन पर हमारे पास में क्या होगा यहां पर यहां पर कंडेंसेशन नहीं होगा ठीक है चलो जी चौथा वाला देखो जरा दो साफ-साफ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं एक एल्कोहल और एक एसिड है के इस बनाते मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और ये, ये रिएक्शन के अंदर हमारे पास में क्या होगा कंडेंसेशन रिएक्शन होगा रीजन क्या है कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास एक बायो प्रोडक्ट भी बनना चाहिए चलिए ठीक है अगर बायो प्रोडक्ट अगर नहीं बन रहा है लेकिन अल्टीमेटली दो फंक्शनल ग्रुप्स का होना तो जरूरी है बिकॉज जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो इतनी फास्ट नहीं होती है दैट इज अ स्लोअर रिएक्शन अगला जो हमारे पास लिखा हुआ है ये भी हमको सबको पता चल रहा है साफ साफ कि सर ये कंडेंसेशन रिएक्शन ही है ठीक है ना और ये जो हमारे पास कंपाउंड लिखा हुआ है काफी सारे लोगों ने इसको बोला है कि सर ये रिंग ओपनिंग पॉलिमराइजेशन रिएक्शन है रिंग ओपनिंग पॉलिमराइजेशन रिएक्शन हर जगह वैलिड नहीं होता ठीक है ये जो कंपाउंड तुम्हारे पास लिखा हुआ है जनरली एक हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसको हम स्टायरिन बोलते हैं ठीक है ना तो स्टायरिन से हम जब पॉलिसटायरिन बनाते हैं तो वहां पर किसी भी तरह का रिंग ओपनिंग पॉलिमराशन नहीं होता सिंपली हमारे पास में क्या है जो रेडिकल हम इस्तेमाल करेंगे वो रेडिकल क्या करेगा इस रिंग को ब्रेक कर देगा ठीक है ना सो दिस इज नॉट अ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइशन दिस इज सिंपली अ एडिशन पॉलिमेशन रिएक्शन जब तक आपके पास में रिंग ओपनिंग पॉलीमराइशन के अंदर जो एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे ठीक है ना बिकॉज रिंग ओपनिंग पॉलिमेशन बहुत ही लिमिटेड है बहुत ही लिमिटेड जगह इस्तेमाल होती है हमारे जितने भी मैक्सिमम पॉलीमराशन होते हैं वो एडिशन कंडेंसेशन से ही हो जाते हैं रिंग ओपनिंग में बहुत ही लिमिटेड केसेस हैं जैसे कल मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे ठीक है ना तो ये हमारा जो एग्ज़ाम्पल है स्टैरिन का एग्ज़ाम्पल है तो स्टैरिन से हमारे पास में जब पॉलिस्टारिन बनता है तो वहाँ पर रिंग ओपनिंग नहीं सिंपली हम जो इनिशिएटर ऐड करते हैं वो इनिशिएटर ही हमारा क्या करेगा इसको जस्ट पॉलीमराइज कर देगा ओके अब चेक कर लो अपना अपना आंसर किसके आंसर सही निकले किसके गलत निकले चलो अब आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ जो हमें यहाँ डिस्कस करना है हाँ जी अब ध्यान सुनना जरा जैसा कि कल मैंने आपसे बोला था कि हमारे पास में जो पॉलीमराइजेशन की टेक्निक हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निक का सिंपल मीनिंग ये है कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है सिर्फ जो बेसिक हमने मैकेनिज्म पढ़ी है वो मैकेनिज्म तो इन्वॉल्व होगी ही हो होगी लेकिन इसके साथ साथ भी और बहुत से पैरामीटर्स हमारे इन्वॉल्व होंगे लाइक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कल हमारे पास पी मटेरियल एनर्जी बैलेंस भी यहाँ पर हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा दूसरा हमारे पास में क्या है हमारे पास मैकेनिकल ऑपरेशन वो भी हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज अगर हमें बाई चांस कहीं एजिटेशन करना पड़ गया तो वो भी इन्वॉल्व होगा और इसके साथ साथ हमारे पास में क्या है कि जो भी हमारे पास सियारी -E हम इस्तेमाल करते हैं जो केमिकल काइनेटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी हमें यहाँ इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा इसीलिए टेक्नोलॉजी जो होती है वो मल्टीपल हमारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है इसीलिए केमिकल टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ते हैं इस केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए बेसिक आपके सब्जेक्ट्स केमिकल इंजीनियरिंग के हैं लाइक मटेरियल एनर्जी बैलेंस ठीक है ना केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग और साथ में हमारे पास में मास ट्रांसफर हिट ट्रांसफर इन सबका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मल्टीपल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है ये ठीक है ना चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये पॉलीमेशन टेक्निक्स वो टेक्निक है जहां पर हम क्या करने वाले हैं अपने जो डिफरेंट पॉलीमर प्रोडक्ट्स हैं उनका हम यहाँ से प्रोडक्शन करते हैं ठीक है ना यहाँ से हम क्या करेंगे उनका प्रोडक्शन मतलब कोई भी दुनिया के अंदर कोई अगर पॉलीमर प्रोडक्ट बन रहा है तो इन चारों में से किसी न किसी एक टेक्निक से बन रहा है इसके अलावा कोई आपके पास टेक्निक नहीं है जहाँ से आप पॉलीमर बना सकें पूरा दिन में जितने भी पॉलीमर्स आप तो इस्तेमाल करते हैं चाहे वो रबर हो चाहे वो नॉर्मल कोई प्लास्टिक हो चाहे वो हमारे पास में कोई भी आपका फाइबर हो ये सारे के सारे हमारे बन रहे हैं वो इन्हीं चारों में से किसी एक टेक्निक से बन रहे हैं कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो इनमें से दो या तीन टेक्निक से भी बन जाते हैं उसके पास मल्टीपल रूट्स हैं फिर हम चूज़ करते हैं कि हमारे पास कौन सा रूट ऐसा है जो हमें मैक्सिमम कन्वर्जन दे रहा है ठीक है ना तो हम उस पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं चलिए जी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन टेक्निक आती है दैट इज बल्क पॉलीमराइजेशन टेक्निक यस, बल्क पॉलीमराइजेशन टेक्निक, लव ऑफ नेचर अपना पहले बात तो नाम बताओ मेरे को सही वाला और किसका स्क्रीनशॉट लेना है ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर जो मैंने क्वेश्चन कराया उसका इस टेक्निक का नाम सुनकर के एक चीज ये कंफर्म हो रही है कि सर यहां पर हमारे पास में क्या है कि जो भी होगा अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी पॉलीमराइजेशन हमारे पास में होगा कहाँ है लैब स्केल में नहीं हो रहा है छोटे स्केल में नहीं हो रहा है समझ रहे हो ना ये पॉलीमराइजेशन कहाँ हो रहा है किसी इंडस्ट्री के अंदर करना है हमें तो किसी इंडस्ट्री के अंदर जो बल्क हमारे पास पूरा एक लार्ज साइज का रिएक्टर होता है उसके अंदर ही रिएक्शंस होंगी तो दिमाग में एक ये इमेज क्लियर रखना आप ठीक है ना अब लैब के अंदर से निकल करके इंडस्ट्री के अंदर में आ जाओ अभी तक जो भी मैकेनिज्म पढ़ रहे थे वो लैब के अंदर हम देख रहे थे टेस्ट कर रहे थे कि हाँ ऐसे हमारे पास में क्या है पॉलीमराशन इनिशिएट हो सकता है ऐसे हमारे पास पॉलीमर बनेगा अभी आ रहे हैं हम लार्ज स्केल में तो ये जो हमारे पास प्रोसेस आपका हो रहा है ये प्रोसेस हमारे पास किसी एक लार्ज स्केल में हो रहा है तो नाम से हमें जैसा क्लियर है कि हमारे पास बल्क पॉलीमराइजेशन ओके अरविंद तो हमारे पास बल्क पॉलीमराइन का सिग्ना सिंपल सा सिग्निफिकेंस क्या है इसको बहुत ध्यान सुनिएगा क्या है ये नाम का जो पहला वर्ड है वो समझ में आ रहा है कि बल्क है बल्क में ऐसा फील हो रहा है कि हमारे पास में जो पॉलीमराइन होगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा है ना नाम से ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर जो पॉलीमरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा बल्क में होगा होता है ना बल्क में आओ तो, तो तुम्हारे पास में इतना डिस्काउंट मिल जाता है ग्रुप में आओ तो इतना डिस्काउंट मिल जाता है तो कुछ ऐसा सीन लग रहा है कि यहाँ पर जो पॉलीमेसन होगा वो बल्क में होगा लेकिन यहां पर क्वांटिटी से मतलब नहीं है जिसका जो नेम का सिग्निफिकेंस है क्वांटिटी से मतलब नहीं है इसका नेम का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है इसको ध्यान से समझिएगा हमारे पास ये पॉलीमेशन रिएक्शन जब किसी भी रिएक्टर के अंदर होती है तो उस रिएक्टर के अंदर हमारे पास में क्या है क्या क्या इंग्रेडिएंट हम मिक्स करते हैं किस टाइप का पॉलीमरेशन है कोई भी पॉलीमेशन रिएक्शन कंप्लीट करने, करने के लिए सबसे पहला हमारे पास जो तो ज़रूरी हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हमारा मोनोमर हम सबको पता है हमें एक मोनोमर चाहिए होगा ठीक है ना अब यह समझना है आपको इन मैकेनिज्म फॉलो अप की जाएगी मतलब एडिशन या कंडनसेशन सारी आपको समझनी है, हमें पहले क्या चाहिए? एक चाहिए अब अगर हमने कोई एक अगर इस्तेमाल किया है और अगर हमारे पास यहाँ पर एडिशन पोलिमराइशन रिएक्शन हो रही है पहले मैं एडिशन की बात करूंगा अगर यहां पर हो रही है मींस इस मोनोमर के साथ साथ हमें एक इनिशिएटर चाहिए होगा बहुत ध्यान सुनिएगा हमें एक इनिशिएटर चाहिए होगा और जो भी हम इनिशिएटर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ये इनिशिएटर किस फेज का होना चाहिए एक्वस फेज का या ऑर्गेनिक फेज का कैसा होना चाहिए एक्वस फेज का या ऑर्गेनिक फेज का हमने एक मोनोमर ले लिया और हमने एक इनिशिएटर ले लिया ठीक है ना जो मोनोमर हम ले रहे हैं सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आज तो मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज हमें क्या करना है पॉली यथाइलिन बनानी है तो हमारा मोनोमर अगर एथाइलिन है तो इसके रिस्पेक्ट में बेटा अरविंद मैंने बोला था ना कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप तभी बनाना चाहते हो नोट्स बहुत अच्छी बात है आप स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ऐसा मैंने आपसे बोला था तो मोनोमर हमारे पास में अगर एथाइलिन है हमको पता है कि इज ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जो हमारे पास इनिशिएटर होगा दैट शुड बी ऑल्सो ऑर्गेनिक फेस ऑर्गेनिक कंपाउंड इनिशिएटर भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए तो इनिशिएटर हमारे पास में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है रीजन रीजन था समझना रीज़न ये है कि पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि सर आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि हमारा जो इनिशिएटर होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा सर वो एक्वस भी तो हो सकता है बिकॉज सर आपने बताया था हमारे पास रिएक्शन दो जगह होती है या तो ऑर्गेनिक फेज में होती है या एक्वस फेज में होती है अगर ऑर्गेनिक फेज में होती है तो वहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और हमारे पास अगर एक्वस फेज में होती है तो वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो आपने ये कैसे डिसाइड कर दिया कि सर यहां पर हमारे पास में जो रिएक्शन होगी वो ऑर्गेनिक या फेज में होगी ठीक है ना बहुत ध्यान सुनिएगा ऑर्गेनिक या फेज का डिसीजन यहां से होता है कि रिएक्टर के अंदर मोनोमर का कंसंट्रेशन क्या है क्या बोला मैंने रिएक्टर के अंदर में मोनोमर का कंसंट्रेशन क्या है अगर रिएक्टर के अंदर मोनोमर का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं ना हमारे पास अगर रिएक्टर के अंदर मोनोमर का कंसंट्रेशन अगर कम है मींस हमारे पास मोनोमर के साथ कोई और भी हमारे पास वहां पर सॉल्वेंट अवेलेबल है मोनोमर अगर हमारा सॉल्यूट है मतलब मोनोमर को किसी न किसी सॉल्वेंट में मिक्स किया गया है जिस वजह से कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकता है तो हमें साफ पता चल रहा है कि यहां पर हमारे पास कहीं ना कहीं क्या है अगर मोनोमर के साथ कोई दूसरा सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए एक्वास फेज का मतलब क्या है कि वाटर होना चाहिए तो अगर आपको फेज में रिएक्शन करानी है तो मीन्स हमारे पास वहां पर मोनोमर के साथ वाटर होना चाहिए तभी तो एक्वस फेज मानेंगे ना हम तो एक्वस फेज मतलब वाटर, उसका प्रेजेंस होना चाहिए लेकिन मैंने कहीं पर भी अभी आपको मोनोमर के साथ कहीं वाटर कंटेंट लिखा नहीं एक ठीक है ना और यहां पर हम कोई भी वाटर कंटेंट इस्तेमाल करने भी नहीं जा रहे हैं इसलिए हम यहां पर इस मोनोमर के साथ में जो इनिशिएटर इस्तेमाल करेंगे वो ऑर्गेनिक फेज का होना चाहिए बिकॉज अगर ऑर्गेनिक फेज का इनिशिएटर अगर नहीं होगा तो वो मोनोमर को इनिशिएट कर ही नहीं पाएगा बिकॉज जब तक दोनों सेम कैटेगरी के नहीं होंगे वो आपस में मिसबल ही नहीं होंगे जब आपस में मिसबल ही नहीं होंगे तो रिएक्शन स्टार्ट करने का सीन ही नहीं बनता ठीक है ना इसलिए जो मोनोमर हमने इस्तेमाल किया और जो इनिशिएटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे दैट विल बी इन द ऑर्गेनिक फेज ये चीज क्लियर हो गई सभी को किस फेज में हमारे पास तो हमारे पास पास रिएक्शन होगी तो ये ऑर्गेनिक फेज में होना चाहिए अब आपसे अगर मैं बात करता हूं आपने सिंपली मोनोमर इनिशिएटर को लेकर के रिएक्टर के अंदर में आपने क्या किया मोनोमर मिक्स किया और इनिशिएटर मिक्स कर दिया ठीक है रियक्शन हमारे पास ऑब्वियसली आपको पता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रियक्शन स्टार्ट हो जाएगी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जैसे ही हमारे पास रिएक्शन आपके स्टार्ट होती है और मोनोमर में अगर आपने इनिशिएटर मिक्स अगर किया है तो ऑब्वियसली यहां पर रिएक्शन जो होगी वो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी बिकॉज हमने एथाइलिन लिया था डबल बॉन्ड कंपाउंड था अब यहां पर हमारे पास अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अगर होती है तो हमारे पास में क्या होगा जो पॉलीमर चैनस हमारे पास में यहां पर ध्यान से देखना जितने भी ये कंपाउंड आपको दिख रहे हैं सारे मोनोमर हैं ठीक है ना ये मोनोमर हमारे पास में है सपोज मान लीजिए ये सारे हमारे पास मोनोमर हैं वो मोनोमर हमारे पास में क्या है आपको पता है कि उन मोनोमर से जो भी हमारे पास में मोनोमर इनिशिएटर से इनिशिएट होकर के क्या करेगा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा मतलब हमारे पास वहां पर उस रिएक्टर के अंदर में पॉलीमर चैन से भी डेवलप होना स्टार्ट हो गई कुछ हमारे पास जो चैनस होंगे ध्यान सुनिएगा कुछ हमारे पास में क्या है जो चैंस होंगी वो चैंस हमारे पास रीजन क्या है अब यहां पर किसी का कोई भी बॉन्डिंग तो नहीं है ना कि नहीं तुमको सीधे क्या करना है लीनियर कंपाउंड बनाना है कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का जो मैनुफेक्चरिंग है जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा इसमें आपका कंट्रोल भी नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते रीजन क्या है कि उसका स्ट्रक्चर हमारे पास जो बन रहा है वो कटलिस से डिफाइन हो रहा है कहाँ से डिफाइन हो रहा है स्ट्रक्चर तो जो भी बनता है किसी भी पर्टिकुलर पॉर्मेशन रिएक्शन में कटलिस से डिफाइन होता है क्यों क्योंकि सर जब हमने टैक्टिसिटी पढ़ा था टैक्टिसिटी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास पहले मैक्सिमम जो पॉलीमर बनते थे वो ए टैक्टिक नेचर के होते थे लेकिन जब से हमने जिगलर नाटा कटलिस इस्तेमाल करना इस्तेमाल किया स्टार्ट किया वहां से हमारे पास में क्या उनकी टैक्टिसिटी चेंज हुई टैक्टिसिटी चेंज होने का मतलब क्या है किसी कार्बन चैन के एलॉन्ग जो हमारे पास एल्किल ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हुआ किसकी वजह से एक इनिशिएटर की वजह से एक कटलिस की वजह से तो अरेंजमेंट हमारे पास जो है ना कटलिस की वजह से डिफाइन होता है कटलिस जैसे फ्री रेडिकल हमारे पास जनरेट कर देता है वहां से दूसरी चेन कनेक्ट हो सकती है वो दूसरा चेन लीनियर भी कनेक्ट हो सकता है और वो ब्रांच भी हो सकता है ब्रांच के साथ साथ क्रॉस लिंकिंग भी हो सकती है ये समझ में आ रहा है ना तो हमारे पास यहाँ पर जो चैनस बनेंगी वो लीनियर भी हो सकती हैं ब्रांच भी हो सकती हैं और क्रॉस लिंक भी हो सकती है ठीक है, है. तो यहाँ से हमारे पास रिएक्शन जब आपकी इनिशिएट हो जाएगी तो इनिशिएट होने के टाइम पर क्या होगा हमारे पास आपका जो मोनोमर है वो इनिशिएटर के हेल्प से क्या होंगे एक्टिवेट हो जाएगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा chance हमारे पास में एक मोनोमर 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 एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड दूसरे से साथ में क्या होगा कनेक्ट होगा और ऐसे धीरे धीरे करके चैन ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी चैन मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ लीनियर भी हो सकती है ब्रांच भी, भी हो सकती है क्रॉस लिंक भी हो सकती है ठीक है ना इसमें हमारे पास में क्या है पूरा रोल इनिशिएटर का है तो हमारे पास जो चैंस ग्रो होंगी ध्यान से देखना जरा कुछ चैंस हमारे पास ऐसे होंगी एग्जाम्पल के लिख रहा हूं कुछ चैन हमारे पास ऐसे होंगी ठीक है ना या फिर हमारे पास कुछ चैन इसको सी एस टू में। एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिख लो इसको ये हमारे पास ऐसी चैन हो सकती है हंड्रेड परसेंट पॉसिबिलिटी है एक चैन हमारे पास ऐसी भी हो सकती है हंड्रेड परसेंट पॉसिबिलिटी है सर सिंपल सा मीनिंग हमारे पास में क्या है कि ये चैन हमारे पास में इनका जो लेंथ है पार्टिकुलर चैन का जो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिमराइसन पार्टिकुलर चैन का जो मॉलिकुलर वेट है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास में कोई चैन जो है ना कितना हमारे पास में क्या है उसके साथ में मोनोमर यूनिट्स कितनी कनेक्ट हुई तो कोई हमारे पास में ऐसा था कि ये चैन अभी ग्रो ही कर रही थी यहाँ पर एक एक मोनोमर आकर के कनेक्ट हो रहा है लेकिन किसी चैन को अपॉर्चुनिटी ये मिल गई कि ये हमारे पास हल्की से ग्रो हुई थी और उसके साथ में आकर के कोई एक दूसरी चैन कनेक्ट हो गई वही एक चैन के साथ में दूसरी चैन ही आके कनेक्ट हो गई तो उसका देखो हमारे पास में क्या होगा डिग्री ऑफ पॉलिमेशन ज़्यादा हो गया उसका हमारे पास मॉलिकुलर वेट ज़्यादा हो गया मतलब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास में जो चैन का हमारे पास जो मेकअप जो ग्रो हमारी हो रही है जो चैन हमारी ग्रो हो रही है उनका मॉलिकुलर वेट सबका क्या है रैंडम है ठीक है ना तो पहली चीज हमको ये पता चल रही है कि सर इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास मोलिकुलर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो बहुत ही लार्ज होगा क्या मतलब है कि जो मोलिकुलर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा बहुत लार्ज होगा कोई एक चैन ऐसी होगी जिसका मोलिकुलर वेट हमारे पास बहुत कम होगा दिख रहा है कोई एक चेन होगी जिसका इंटर मोलिकुल हमारे पास मोलिकुलर वेट जो है एक एवरेज होगा एक चैन ऐसी भी हमारे पास होगी जहां पर इसका मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा हाई होगा तो ये मोलिकुलर वेट जो रैंडम मोलिकुलर वेट्स हमारे पास मिलते हैं इन चेन के और ये हमारे पास इनके बीच अगर डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है बिकॉज तो किसी का बहुत कम किसी का बहुत ज़्यादा इसी को हम बोलते हैं कि हमारे पास मोलिकुलर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज है स्मॉल का बोल सकते हैं कि लगभग हर चेन का मोलिकुलर वेट सेम होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर मोलिकुलर वेट्स का हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज है इसके पीछे का रीज़न क्या वो रीजन समझिएगा ठीक है ना हमारे पास में पॉमरिक हमारे पास ग्रो होना स्टार्ट हुई लीनियर है 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 या ब्रांच क्रॉस लिंकिंग कोई मतलब नहीं है दूसरा मीनिंग हमारे पास अब ये आता है सपोज मान लीजिए आपके पास में आप किसी मेले के अंदर गए मेले के अंदर सब ठीक चल रहा था लेकिन वहां पर अचानक क्या होता है किसी ने बोल दिया बॉम है बॉम है उस कंडीशन में बाई चांस आपने अपने भाई का अगर हाथ पकड़ रखा था अमूमन जो बॉलीवुड मूवीज के अंदर होता है तो आपके भाई का हाथ आपसे छूट गया रीजन क्या था वहां भगदड़ मच चुकी थी ठीक है ना तो आप आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप दोबारा से ठीक है ना जल्दी से जाकर के अपने भाई का हाथ पकड़ लोगे रीजन क्या भगदड़ के अंदर हो सकता है कि आपका भाई और आपसे दूर चला गया हो तो यही सेम चीज हमारे पास इस रैक्टर के अंदर होती है रैक्टर के अंदर होता क्या है कि जब हमारे पास मोनोमर से पॉलीमर बनना स्टार्ट होता है आप सबको पता है कि मोनोमर से जब पॉलीमर बनेगा ये जो पॉलीमर हमारे पास बन रहा है किस टाइप का मटेरियल है दैट इज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कैसा है नॉन न्यूट्रन फूड तो सर जी अगर ये नॉन न्यूट्रेन फूड अगर है बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब ये पॉलीमर हमारे पास जब मोनोमर से पॉलीमर बनेगा तो इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी क्या होगा जो तो पॉलीमर हमारा बनेगा तो इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी दिस इज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूड धीरे धीरे करके इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी अब विस्कोसिटी इंक्रीज होने से क्या हो रहा है पहली बात कि सर अगर यहां पर कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो रिएक्शन में हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्पेचर बढ़ने की वजह से जैसे दूध को अगर आप गर्म करते हो तो हमारे पास धीरे धीरे करके क्या है वहां पर तो ऑपरेशन होता है इस वजह से हमारे पास दूध हल्का हल्का विस्कस होने लगता है लेकिन यहां पर हमारे पास में क्या है यहां पर कोई वाटर मॉलिक्यूल है नहीं जो भी हमारे पास मोनोमर इनिशिएटर रिएक्ट कर रहे हैं वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज होने से हमारे पास क्या हो रहा है हमारे पास जो पॉलीमर हमारा बन रहा है वो विस्कस होता जा रहा है अब ये पॉलीमर अगर विस्कस होता जा रहा है तो यहां पर वही कंडीशन आ गई कि अब एक अगर हमारे पास एक जगह पर कहीं पर सपोज मान लीजिए मोनोम इनिशिएटर रिएक्ट कर रहे हैं वहां पर इस तरह की चैन बनी हुई है बहुत ध्यान से देखो जरा इस तरह की चैन बनी हुई है ये चैन अगर हमारे पास में क्या है कि वहां पर इतना ज्यादा विस्कोसिटी इंक्रीज हो चुका है कि अब इस चैन को ठीक है ना इस चैन को पेनेट्रेट करके इस चैन के साथ अगर ये कनेक्ट होना चाहता है अगर ये इस चैन के साथ कनेक्ट होना चाहता जिससे कि इसका जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो बढ़ जाए इसका मोलिकुलर वेट वो बढ़ जाए तो बिकॉज ऑफ द हाई विस्कोसिटी ऑफ पॉलिमरिक सॉल्यूशन हमारा ये जो चेन है आपका जो शॉर्टर चैन हमारे पास में है वो लॉन्गर चेन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती हैं एक समस्या तो ये आ गई अब प्रॉब्लम ये है सपोज मान लो ये तो शॉर्टर लॉन्गर चेन की बात कर ली हो सकता है कोई हमारे पास चेन ऐसी हो जिसका हमारे पास मॉलिकुलर वेट बहुत ज्यादा हो लाइक like दिस ये दिख रही चैन पूरी देखो जरा ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखो जरा ये हमारे पास एक चैन ऐसी होगी रेक्टर के अंदर जिसका मॉलिकुलर वेट भाई साहब बहुत ज्यादा हो चुका होगा बिकॉज तो ये पॉलीमराइज होती जा रही होती जा रही होती जा रही है अब इस पर्टिकुलरली पॉलीमर चैन के पास में अगर कोई दूसरी पॉलीमर चैन या कोई हमारे पास सपोज मान लीजिए आपने अगर इम्प्योटी एड की है वो आकर के अगर इसमें मिक्स हो जाएगी तो हमारे पास ये चैन टर्मिनेट हो सकती है अब समस्या ये है कि यह चेन बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है अब ये सोच करके देखिए कि हमारे पास रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर कितना डस्टिकली इनक्रीज कर रहा है और और खास खास करके और खास करके रिएक्टर के के उस जोन अंदर जहां पर हमारे पास में क्या है है ग्रो कर रही रीजन क्या है कि एक चैन दूसरी जगह क्या है ट्रांसफर ही नहीं हो पा रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चैन हमारे पास रुक चुका है बिकॉज ऑफ द इनक्रीज विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमरिक सोल्यूशन जिस वजह से हमारे पास में क्या है एक पर्टिकुलरली हमारे पास ऐसे जोन बनते जा रहे हैं जहां पर पर्टिकुलर किसी जोन में टेम्परेचर ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उस जोन के अंदर रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर रहा है रिएक्टर के अंदर ही सब हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से वहां पर क्या हो रहा है हमारे पास रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर रहा है और रिएक्शन का रेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास में अल्टीमेटली क्या हो रहा है रेट इंक्रीज कर रहा है लेकिन ऐसे पता नहीं कितने सारे जोन होंगे रिएक्टर के अंदर जहां पर हमारे पास में क्या है रेट हमारा क्या है इंक्रीज कर रहा होगा लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है कि ये हाई टेम्परेचर हमारी इस रिएक्शन के लिए अनफेवरेबल है लेकिन क्या करें कंट्रोल कैसे करें सो so, इस कंडीशन में हमारे पास जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है और रिएक्शन का रेट ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है तो वो जो, जो जोन है जहां पर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट जैसे कोविड के टाइम पे हॉटस्पॉट आया था ना मतलब एक हमारे पास ऐसा एरिया जहां पर बल्क में क्या मिल रहे थे इन्फेक्टेड लोग मिल रहे थे तो हमारे पास अब ये क्या हो गया ये हॉटस्पॉट बन गया एक ऐसा जोन एक ऐसा एरिया जहां पर हमारे पास में क्या है रिएक्शन डास्टिकली क्या कर रही है टेम्परेचर जनरेट कर रही है ये बन गया हॉटस्पॉट अब यहां पर क्या होगा रिएक्शन का रेट आपके कंट्रोल के बाहर हो चुका है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इस वजह से रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी रेट हमारे पास में क्या है? बहुत तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है इंक्रीज तो तो कर रहा है तो रन अवे रिएक्शन हो गई और इस वजह से हमारे पास में क्या है अब इस रिएक्टर का हमारे पास में अब इस रिएक्टर में जो सिक्योरिटी या बोलते हैं जो सेफ्टी की प्रॉब्लम है वो आ चुकी है ये रिएक्शन ये रिएक्टर किसी भी समय क्या है ब्लास्ट कर सकता है आगे ना प्रॉब्लम रीज़न क्या है रिएक्शन का रेट भाई साहब बढ़ता ही जा रहा है रिएक्शन हमारे पास में क्या है आउट ऑफ कंट्रोल है रन अवे रिएक्शन है दूसरा हमारे पास में क्या हॉट स्पॉट जनरेट मतलब कहीं हमारे पास किसी जोन के अंदर रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर चुका है और ऐसे पता नहीं कितने हॉट स्पॉट हमारे रिएक्टर के अंदर होंगे कुल मिलाकर के पूरा का पूरा रिएक्टर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा रिएक्टर के अंदर रिएक्शन हमारे पास जो है वो अनकंट्रोल्ड है कहीं पर हमारे पास में मोलिकुलर वेट कम मिल रहा है कहीं पर मोलिकुलर वेट अथाह है अनकंट्रोल्ड है मतलब कहीं पर मोलिकुलर वेट हंड्रेड में हो सकता है कहीं पर मोलिकुलर वेट लाखों में हो सकता है और रीजन क्या है इन चैन का पेनेट्रेट ना कर पाना बिकॉज ऑफ द हाई विस्कोसिटी तो यहां पर हमें क्या पता चला यहां पर पहली चीज तो हमें यह पता चल गई कि यहां पर रिएक्शन का रेट हमारे पास में क्या है बहुत ज्यादा हो गया रिएक्शन का रेट हमारे पास ज्यादा क्यों हुआ है रीजन क्या है हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और दूसरा हमारे पास पता चल गया कि इसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन हमारे पास में क्या हो गई रिएक्शन का रेट ज्यादा होने से ये रिएक्शन हमारी हो गई रन अवे रिएक्शन क्या बन गया ये तो रन अवे रिएक्शन और इस वजह से हमारे पास में क्या है ऐसे जोन हमारे पास जनरेट हो गए जो हमारे पास में क्या है हॉटस्पॉट हमारे पास कहलाए तो वो कहलाया हॉटस्पॉट जनरेशन ये चीज पता चली इतना समझ में आया क्या होता है यहां पर इस रेक्टर के अंदर में तो अब क्या करोगे तुम किसी ने बोला नहीं सर प्रोडक्ट तो चाहिए कन्वर्जन तो करना पड़ेगा तो सिंपल सी चीज़ यही है कि कन्वर्जन के चक्कर में या तो तुम्हारी जान जाएगी या तुम्हारे किसी एम्प्लॉयर की जान जाएगी बिकॉज रन अवे रिएक्शन होने से रिएक्शन का रेट हाई हो जाने से हमारे पास में आपको पता है कन्वर्जन हमारा लो हो जाएगा रेट हाई हुआ है अल्टीमेटली हमारे पास में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो कन्वर्जन है वो तो लो हो गया तो जितने तुमने मोनोमर इस्तेमाल किया था उतना मोनोमर पूरा का पूरा, पूरा पॉलीमर में चेंज तो नहीं हो पा रहा है तो हमने इस्तेमाल किया था सपोज मान लीजिए अगर हंड्रेड के मोनोमर तो हमें अभी मिला कितना है केवल बीस और तीस के जी और तुम अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो सेफ्टी चाहते हो तो तुमको इस रिएक्शन को लोअर कन्वर्जन पर ही रोकना पड़ेगा यू कांट वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन रिएक्शन कंप्लीट होने का वेट करोगे तो भाई साहब कांड हो जाएगा तो तुम्हें लोअर कन्वर्जन पर ही इस रिएक्शन को रोकना पड़ेगा तो अगर हम बल्क पॉलिमोराइशन रिएक्टर के अंदर अगर इस रिएक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें एक चीज ये पता चल रही है कि सर इस रिएक्शन के अंदर हीट कंट्रोल का अरेंजमेंट नहीं है और यहां अगर हम एडिशन पॉलिमोशन रिएक्शन कराने जाएंगे तो रिएक्शन ब्लास्ट कर जाएगा तो अगर तुम्हारा मन है कराने का तो सिंपल सी बात यह है कि हमें किसी भी तरीके से इन आपका जो एडिशन पॉलिनेशन रिएक्शन है इसको बीच में ही रोकना पड़ेगा फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज रिएक्शन आप बाद में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो यहां पर बल्क पॉलिमिनेशन रिएक्टर हम कब इस्तेमाल करते हैं पता चल गया कि जब हमारे पास प्योर फॉर्म में क्या है प्योर फॉर्म में मोनोमर और इनिशिएटर इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ना और यहां पर रिएक्शन अगर हम इनिशिए अगर हम एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को हमें बीच में ही रोकना पड़ेगा तो क्वेश्चन अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहां पर हम कोई भी दूसरा कूलिंग अरेंजमेंट क्यों इस्तेमाल नहीं करते तो सिंपल सी चीज हमारे पास में ये है बिकॉज अब अगर ये टेक्नोलॉजी अगर बनाई गई कुछ सोच समझ के बनाई गई है अगर हम यहां पर किसी भी तरह का कूलेंट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं जो हमारी मैनुफेक्चरिंग कॉस्ट है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो किसी ने जरूरी नहीं है हमारे पास में क्या है कि हम यहां पर एडिशन पॉलीमरेशन का ही इस्तेमाल करें भाई अब इसके आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ अगर इसी बल्क रिएक्टर के अंदर हम सिंपली क्या करें अपने दो फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड अगर एड कर दें और यहां अगर हम कंडेंसेशन पॉलीमरेशन रिएक्शन कराएं तो कोई आपत्ति ये तो मैंने एडिशन वाला पार्ट आपके सामने रखा अगर इस रिएक्टर के अंदर हम कंडेंसेशन पॉलीमरेशन रिएक्शन अगर कराएं सिंपली दो हमने क्या किया फंक्शनल ग्रुप के प्रोडक्ट ऐड कर दिए वहां से हमें एक बाय प्रोडक्ट भी मिल जाएगा और आराम से रिएक्शन हमारी क्या थोड़ा टाइम लेगी लेकिन आराम से रिएक्शन कंप्लीट होगी कन्वर्जन भी हमको अच्छा खासा मिलेगा और मॉलिक्यूलर वेट भी हमको अच्छा खासा मिल जाएगा कोई ये प्रॉब्लम नहीं है तो एक चीज हमें यह पता चल रही है कि सर अगर हमें क्या करना है अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास में कोई प्रॉब्लम ना हो आराम से हमारा रिएक्शन अगर हो जाए तो हमारे पास में जो बल्क पॉलीमेशन रिएक्टर जो है ये हम कंडेंसेशन पॉलिमेशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं कैसे इस्तेमाल कर, है? कर लेते हैं कंडेंसेशन पॉलिमरेशन रिएक्टर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं ठीक है ना जैकेट और ब्राइन सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं पवन ठीक है ना बट हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बिकॉज ब्राइन सोल्यूशन जैकेटेड ड्रैक्टर उसका कॉस्ट बढ़ेगा कोई मतलब ही नहीं है अगर हमें एडिशन का इस्तेमाल करना ही है तो किसी दूसरी टेक्निक में कर लेंगे यहां पर क्यों करना सर इसका फिर इस्तेमाल हम कर क्यों रहे हैं जब आपको लग रहा है कि हमारे लिए घाटे का सौदा है तो इस टेक्निक का हम इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करने का सिर्फ एक मकसद है मकसद क्या है कि यहां पर जो प्रोडक्ट तुमको मिलेगा उसकी प्योरिटी हाइस्ट होगी क्या बेनिफिट है यहाँ से जो प्रोडक्ट तुमको मिलेगा उसकी प्योरिटी हाइएस्ट प्योरिटी का प्रोडक्ट है कोई उसमें इम्प्योरिटी है ही नहीं अच्छा ये बताओ जरा यहाँ से अगर तुमको 30 किलो भी अगर एथाइलिन मिलेगा उस 30 किलो एथाइलिन के अंदर कितनी इम्प्योरिटी है कितनी इम्प्योरिटी है कुछ और कंपाउंड है क्या बिकॉज यहां से हमारे पास में अगर कोई भी कंपाउंड अगर मिलेगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा अगर आपने रिएक्शन को जल्दी बंद कर दिया तो जल्दी बंद कर देने से वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा अनरिएक्टेड मोनोमर होगा अनरिएक्टेड इनिशिएटर हो सकता है और दूसरा हमारे पास पॉलीमर मिलेगा ये तीन चीजें मिलेंगी पॉलीमर जितना भी तुमको मिलेगा वो प्योर होगा हंड्रेड कोई इंप्योरिटी नहीं है अगर आप सोल्यू अगर आप यहाँ कंडेंसेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंडेंसेशन से हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट अगर मिलेगा सपोज आपने कोई अल्कोहल और कोई आपने एसिड मिक्स करके अगर ईस्टर बनाया तो जितना भी ईस्टर तुमको मिलेगा हंड्रेड परसेंट प्योर होगा हंड्रेड परसेंट कोई प्योरिटी नहीं उसके अंदर में तो हमारे पास ही हमको पता चल रहा है कि जितना भी प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वो हंड्रेड परसेंट प्योरिटी का है हाइएस्ट प्योरिटी का है इस वजह से इस रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज द प्रोडक्ट इज हाइली प्योर ठीक है ना बिकॉज इसके अलावा अगर आप कुछ भी अगर इस्तेमाल करने जाएंगे तो वहां पर अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज आएंगे अभी आपको आगे पता चलेगा हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक है ना तो कोई भी कंडेंसेशन रिएक्शन हम आसानी से इसके अंदर कर सकते हैं लेकिन अब समस्या ये है कि नहीं सर हमें तो बल्क से ही बनाना है तो आपके पास सॉल्यूशन है इसका अगर आप बल्क से ही बनाना चाहते हो कोई यथाइलिन या, या प्रोफाइलिन अगर आप बनाना चाहते हो उसका तरीका भी है आपको क्या करना है आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कई सारे बल्क रिएक्टर्स हमारे पास सीरीज में लगाने पड़ेंगे कैसे सीरीज में लगाने पड़ेंगे आप पहले वाले रिएक्टर के अंदर में 20 तीस परसेंट कन्वर्जन ले लीजिए 20 से तीस कन्वर्जन के टाइम तक तो सेफ है ना आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिएक्टर ना ब्लास्ट करेगा ना कुछ होगा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा भी समस्या उतनी नहीं होगी बिकॉज वो हमारे पास में क्या है उतना हमारे पास में सेफ्टी है 20 से 30 परसेंट कन्वर्जन का जो हमारे पास में प्रोडक्ट मिला उसको उठा करके नेक्स्ट रिएक्टर में ट्रांसफर कर दीजिए नेक्स्ट रिएक्टर के अंदर हमारे पास में क्या है दोबारा से हमारी कन्वर्टेड तो प्रोडक्ट हमारे, हमारे दोबारा से जब हम पॉलिमराइज कर देंगे तो वो हमारे पास क्या है? 30 पहुंच जाएगा कितना 60 परसेंट था तीसरा रिएक्टर आपने इस्तेमाल कर रखा है तो उसका हमारे पास में कन्वर्जन तो और बढ़ जाएगा तो अगर आपको एडिशन पॉलिमराइशन रिएक्शन है करने पड़ेंगे। ना तो ये हमारे लिए क्या? नहीं है। क्या है? ये हमारे लिए नहीं है। ये आपको पॉलीमर कोई बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप तीन तीन रिएक्टर इस्तेमाल करें क्या मतलब है इससे अच्छा है कि हम क्या दूसरा मेथड इस्तेमाल कर लें ठीक है चलो यहां तक मेरे को जल्दी से बताओ जरा अगर कोई क्वेश्चन पूछो फिर मैं आपसे आगे बढ़ता हूं अब रीज़न पता चल गया कि वाई द मोलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्ज मॉलिकुलर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज क्यों है रीजन हमारे पास यही है कहीं पर मॉलिकुलर वेट हमारे पास बहुत कम है कहीं पर मॉलिकुलर वेट बहुत ज्यादा है इसलिए मोलिकुलर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लार्ज है कहीं पर कम कहीं पर बहुत ज्यादा ठीक है क्लियर हो गया भाई सभी को चलो जी अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसका स्क्रीन जो लेना चाहते हैं ले लें बिकॉज जैसे मैं आगे जाऊंगे सब रफ हो जाएगा जो लोग भी पवन तो मैंने बता तो दिया यार इतना बड़ा आंसर दिया बिकॉज दिस टेक्निक गिव्स यू द प्योर प्रोडक्ट 100 परसेंट प्योर प्रोडक्ट दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक ओके एंड दिस टेक्निक इज मोस्ट यूजफुल इन द केस ऑफ द देशन पॉलिमराइजेशन दिस टेक्निक इज मोस्ट यूजफुल इन द केस ऑफ कंडनसेशन पॉलिमोराशन इसका स्क्रीन शॉट ले लो फिर मैं आगे आता हूँ पता चल जाएगा इसका एक बेनिफिट है हमारे पास वो किसके लिए है प्रोडक्ट हमें प्योर मिलेगा भाई हमारे पास देखो सिंपल सा चीज़ है एडिशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम एडिशन के लिए बेकार है ना कंडेंसेशन के लिए तो हमारे पास फ़ायदेमंद है कुछ नहीं करना है क्रिएटर लेकर के दोनों हमारे पास में क्या है इनिशिएटर और मोनोमर या फिर हमारे पास सॉरी हमारे पास में दो हमारे पास आपके पास फंक्शनल ग्रुप के मोनोमर ठीक है ना तो वो आप ऐड कर दीजिए आराम से रिएक्शन होगी प्रोडक्ट बना लीजिए खत्म इससे सिंपल और क्या हो सकता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो ये हमारा मैक्सिमम जो इस्तेमाल होता है वो कंडन पॉलिमरेशन के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है ना सुनिए ध्यान से अब पहली चीज हमारे पास में क्या थी कि ये जो रिएक्शन हमारे पास हुई है उस रिएक्शन में हमने जो मोनोमर लिया है वो भी ऑर्गेनिक फेस का और जो इनिशिएटर लिया है वो भी ऑर्गेनिक फेज का इस वजह से हमारी रिएक्शन कैसी हो गई है होमोजीनियस रिएक्शन हो गई कोई दूसरा फेज तो नहीं था ना यहाँ फेज कौन सा ये देखना है ऑर्गेनिक एक्वस तो यहाँ पर जो हमने मोनोमर लिया वो भी ऑर्गेनिक फेज का जो इनिशिएटर लिया वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक फेज का इस वजह से यह रिएक्शन हमारी कहलाती है होमोजीनियस फेज रिएक्शन कहलाती है ठीक है ना दूसरा हमारे पास में क्या है कि पॉलीमर यहाँ से जो मिलता है वो हाई स्टेट ऑफ प्योरिटी का है कोई इंप्योरिटी है ही नहीं कुछ अदर हमने कंटेंट डाला ही नहीं है जितना पॉलीमर मिल रहा है पूरा का पूरा हमारे पास में क्या प्योर है

बिकॉज चैन अगर आपस में कोलाइड करेंगे तो टर्मिनेशन हो सकता है वो हो नहीं पा रहा है एक्टिव साइड्स एक्मलेटेड जितनी भी एक्टिव साइड्स हमारे पास होती हैं जो भी हमारे पास चैन जो ग्रो कर रही है वो उसी रीजन के अंदर चैन हमारे पास में क्या ग्रो करती जा रही है एक्मुलेट हो गया स्टोर हो गया ना हमारे पास वहाँ पर चैन मूवमेंट हो नहीं रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन इन रिएक्शन हमारे पास में इंक्रीज करता जा रहा है रिएक्शन रीजन क्या है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और यहाँ से हमारे पास में क्या है अल्टीमेटली ऑटो असोलेशन हॉटस्पॉट जनरेशन और रिएक्टर एक्सप्लोजन के चांसेस बन जाते हैं क्या हो जाता है हॉट स्पॉट जनरेशन रिएक्शन हमारे पास में आटाप का रन अवे रिएक्शन हो जाती है और अल्टीमेटली रिएक्शन का हमारे पास रिएक्टर जो है वो एक्सप्लोर्ट कर सकता है इस वजह से इस रिएक्टर को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं अगर करना भी है तरीका मैंने बताया कि आप सीरीज में लगाइए रिएक्टर्स को जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इसलिए इस मेथड से तो जो प्रोडक्शन किया जाता है वो पॉली मेथाइलिन ठीक है ना ये फाइबर है हमारा पासपेक्स स्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन पॉलीस्टायरिन नायलॉनसिक्स पॉलीकार्बोनेट पॉलीथेलिन टेराथेलेट ये सारे हमारे वो रिएक्शन हैं जहां से जहां पर हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म फॉलो की जाती है ये वो प्रोडक्ट है इन प्रोडक्ट का नाम बहुत ध्यान रखिएगा ये प्रोडक्ट्स का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से मैचिंग के क्वेश्चन जब आते हैं सिंपली वो बोलते हैं कि मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद देयर पॉलीमेशन टेक्निक वहां पर अगर आपको पता नहीं है कि बल्क रिएक्टर के अंदर हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है क्योंकि मैंने आपको इतना बता दिया है कि हमारे पास यहाँ पर कंडेंसेशन इस्तेमाल किया जाता है अब कंडेंसेशन से बनने वाले प्रोडक्ट अभी आप पढ़ेंगे आगे ठीक है ना अभी आपको लग रहा होगा यार कैसे याद रखेंगे तो अभी आप जब इन प्रोडक्ट्स के बारे में आगे पढ़ोगे तो वहां से आपको पता रहेगा कि अच्छा नायलॉन कैसे बनता था नायलॉन कंडेंसेशन से बनता है और बल्क के अंदर कंडेंसेशन हो सकता है मतलब नायलॉन हमारा बल्क रिएक्टर के अंदर बन सकता है सिंपल स्ट्रेटजी होगी ठीक है ना तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास में है ये सारे हमारे पास इस टेक्निक में बनते हैं ये जितने भी यहां पर लिखे हैं सारे कंडेंसेशन से बनने वाले प्रोडक्ट हैं सारे के सारे ठीक है ना? बेटा, जो आपके पास में आ, जो प्रोडक्ट के आप नाम ले रहे हो वो पॉलिस्टर है अभी हम लोग जो फाइबर्स पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे ठीक है जिसका आप नाम ले रहे हो वो पॉलिसटर है तभी तो जब हम पॉलिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर आएंगे चलिए जी अब हमारे पास समस्या ये आ रही थी कि सर हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन की हीट थी वो हमारे पास माइग्रेट नहीं कर पा रहे थे और रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे इस बल्क टेक्नोलॉजी के अंदर ये समस्या आई लेकिन तब भी हमारे पास फायदा ये रहा कि यहाँ से जितना भी प्रोडक्ट हमको मिला प्योर मिल गया मतलब कंडेंसेशन प्रोडक्ट हम यहाँ से बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन यहाँ पर आपके पास क्या होता है अब इसको ध्यान सुनिएगा हमारे पास में मोनोमर ऑर्गेनिक फेज का एक इनिशिएटर ऑर्गेनिक फेज का किसी रिएक्टर के अंदर हम दोनों रिएक्शन टेस्ट करेंगे एडिशन भी कंडेंसेशन भी हमारे पास एक मोनोमर ऑर्गेनिक फेज का बिकॉज तो आपको पता है मोनोमर ऑर्गेनिक फेज का ही होगा और एक इनिशिएटर ये दोनों के दोनों हमारे पास में क्या है ऑर्गेनिक फेज के ही कंपाउंड है ठीक है ना तो हमें साफ पता चल रहा है अगर ये भी ऑर्गेनिक फेज का है और ये भी अगर ऑर्गेनिक फेज का है तो ये रिएक्शन भी हमारी कैसी ही हो गई हां जी ये रिएक्शन भी कैसी हो गई हमारे पास होमोजीनियस अगर ये रिएक्शन भी हमारे पास अगर होमोजीनियस फेस की हो गई बिकॉज दोनों का ही हमारे पास में क्या है फेज जो है वो सेम है ठीक है अब आगे ध्यान सुनना जरा अब यहां पर हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास सब कुछ वही था एक मोनोमर हमने ले लिया एक इनिशिएटर ले लिया लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि हमारे पास में कोई भी पर्टिकुलर जो रिएक्टर है उस रिएक्टर के अंदर हम अगर क्या कर रहे हैं कि हमारे पास उस रिएक्टर के अंदर सिंपली हमने अपना एक सॉल्यूशन ले लिया ठीक है ना तो वहां पर हमारे पास में क्या हुआ देखो ध्यान से मोनोमर और इनिशिएटर हमारे क्या होगा ये है सॉल्यूट है ये है सॉल्यूट और दूसरा हमारे पास में अगर हमें सॉल्यूशन अगर बनाना है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें एक सॉल्वेंट चाहिए सॉल्वेंट कैसा होता है सॉल्वेंट इनर्ट सॉल्वेंट होता है इन रिएक्टिव सॉल्वेंट होता है जो पॉलिमेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ठीक है ये हमारा एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है इन रिएक्टिव सॉल्वेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हमें साफ पता चल रहा है कि हमारे पास उस रिएक्टर के अंदर क्या बन गया उस रिएक्टर के अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया अब उस सॉल्यूशन का अगर हमको क्या करना है उस सॉल्यूशन को अब सिंपली हमारे पास आपको पता है कि जैसे ही आपने मोरमर में इनिशिएटर को ऐड किया है तो मोनोमर में इनिशिएटर को ऐड करने से हमारे पास में अल्टीमेटली क्या होगा रिएक्शन हमारी इनिशिएट हो जाएगी मैं एडिशन परमिशन की पहले बात कर रहा हूँ रिएक्शन इनिशिएट हो गई रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो गई ठीक है ना बिकॉज ऑर्गेनिक फेज का है तो इनर्ट सॉल्वेंट में हमारे पास में ये दोनों आपको देखिए साफ दिख रहे हैं ये अगर हमारे पास में क्या है अगर ये हमारा अगर मोनोमर है ये हमारे इनिशिएटर्स हैं दिख रहे होंगे ऐसे लाइंस के फॉर्म में ठीक है इनका स्ट्रक्चर अलग कर दिया गया है उस आपको पता है कि हमारे पास में इनिशिएटर इस मोनोमर को क्या कर सकता है आराम से इनिशिएट कर सकता है बिकॉज दोनों का फेज सेम है मिसबल है ये तो हमारे पास रिएक्शन को जैसे ही हमारे पास इनिशिएट कर देगा अब हमारे पास एक्चुअली आपको पता है कि यहाँ पर जो इनर्ट सॉल्वेंट आपने इस्तेमाल किया है तो पहली समस्या हमारे पास जो आती थी कि जब हमारे पास अल्टीमेटली जो विस्कोसोडी हमारे पास मीडियम की जब बढ़ती थी तो वो समस्या हमारे पास यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिख रही है कि हमारे पास यहाँ पर पॉलीमर सॉल्यूशन की जो विस्कॉसटी है वो यहाँ पर नहीं बढ़ने पाएगी रीज़न क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर क्या सॉल्यूशन है तो विस्कॉसटी हमारे पास कितनी बढ़ सकती है अब विस्कॉसटी बढ़ेगी क्यों विस्कॉसटी बढ़ने का रीज़न था हमारे पास टेम्परेचर तो हमारे पास यहाँ पर अभी क्या हो गया कि हमारे पास में जो पहली प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कॉसटी बढ़ती थी तो यहाँ पर हमारे पास जो इनर्ट सॉल्वेंट है ये फालतू तो नहीं लिया गया यह क्या बेनिफिट है यहाँ पर कि जो भी हमारे पास रिएक्शन आपकी हाँ होती है उस रिएक्शन से हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक जो भी एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी उस एनर्जी को कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है हमारा है ये इनर्ट सॉल्वेंट ये इनर्ट सॉल्वेंट हमारा क्या करेगा एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगा एब्जॉर्व करने के बाद अब हमारे पास अगर रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हमने डाउन कर लिया रीजन क्या होती एनर्जी रिलीज हुई वो हमने एब्जॉर्व कर ली एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास में डायरेक्ट कूलिंग हो रही है पॉलीमर चैन के बगल में ही कौन बैठा है भाई साहब कूलिंग मीडियम एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के लिए लाओ तो हमारे पास अब वहाँ पर रिएक्शन का रेट इतना इंक्रीज़ हो ही नहीं पाएगा अल्टीमेटली रिएक्शन का रेट अगर इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा तो हमारे लिए क्या हो गई ये तो रिएक्शन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन गई पता है हमारे पास रिएक्शन का टेम्परेचर अब क्या रहेगा लो हो गया एनर्जी अगर रिलीज़ हुई तो वो हो गई तो रिएक्शन का टेम्परेचर हमारा लो हो गया तो रिएक्शन का रेट अब इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा लेकिन अल्टीमेटली रिएक्शन का कन्वर्जन बढ़ रहा है समझ आ रहा है रिएक्शन का कन्वर्जन बढ़ना स्टार्ट हो गया अब यहां पर हमारे पास में क्या होगा बिकॉज ऑफ दिस इनर्ट सॉल्वेंट बिकॉज ये इनर्ट सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मोनोमर इनिशिएटर आराम से क्या कर रहे हैं रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बना रहे हैं पॉलीमर बना रहे हैं वहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस इनर्ट सॉल्वेंट के थ्रू अब्जॉर्व हो जा रही है और फाइनली हमारे पास में क्या है कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट भी होगी कन्वर्जन भी हमको हाई मिलेगा कन्वर्जन भी हमको हाई मिलेगा अब एक क्वेश्चन यहां पर ये यह आता है कि कन्वर्जन अगर हाई मिलेगा लाइन बहुत ध्यान सुनिएगा कि अगर कन्वर्जन यहां पर हाई मिलेगा तो यहां से बनने वाले प्रोडक्ट का मॉल्यकुलर वेट पहले जो हमारे पास 100 परसेंट प्योरिटी का जो प्रोडक्ट बना था क्वेश्चन ध्यान सुनना है आपको यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मॉल्युलर वेट और जो पहले 100 परसेंट प्योरिटी का प्रोडक्ट बना था उसका जो मॉलिकुलर वेट है इन दोनों प्रोसेस में से किस प्रोसेस का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा बल्क वाले का या इस सॉल्यूशन वाले का इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन बोलिए तो मैं रिपीट कर देता हूँ पहले जो हमने प्रोडक्ट बनाया था बल्क रिएक्टर से जो हंड्रेड परसेंट प्योरिटी का था यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर क्या है हमारे पास एक इनर्ट सॉल्वेंट है और साथ साथ हमारे पास में क्या है बिकॉज यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पर कुछ पॉलीमर होगा हमारे पास और दूसरा इनर्ट सॉल्वेंट होगा इनर्ट सॉल्वेंट हमारा जो है इसको हम रिमूव नहीं कर सकते कांट बी पॉसिबल बिकॉज इनर्ट सॉल्वेंट को अगर आप रिमूव करने जाएंगे तो जितना पैसा हमने करा है प्रोडक्शन की प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में प्रोडक्शन में लगाया उतना ही पैसा हमारा क्या उससे ज्यादा कॉस्ट हमारी इसके सेपरेशन में आ जाएगी इसलिए इस इनर्ट सॉल्वेंट का सेपरेशन पॉसिबल नहीं है और हम सेपरेट करते ही नहीं है ठीक है ना तो जितने भी आपके पास में जितने भी आपके पास में एडेसिव दिखते हैं ना इस्तेमाल करते हो ना फेविक्विक फेविकोल सब इस्तेमाल करते हो ये जितने भी हमारे पास एडेसिव हैं सारे का सारे इसी मेथड से बन रहे हैं मतलब हम यहां से वो पॉलीमर बनाते हैं जो हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जा सके ये सेपरेट करने की जरूरत ही ना हो लाइक पेंट पेंट तो चलिए ठीक है हमारे पास जो बन रहा है तो पेंट के अंदर हमारे पास कुछ और भी इंग्रेडिएंट हैं लेकिन जैसा पेंट हमारे पास है सॉल्यूशन के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है एडेसिव जितने भी हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में ही इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम ऐसे यहां से कंपाउंड बनाते हैं जो सॉल्यूशन के फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं वो पॉलीमर सॉल्यूशन उसमें सबसे बड़े आते हैं वो हमारे यहीं से बनते हैं यहां पर आप से देखना है यहां पर हमारे पास में यहां पर जो हमारे पास कंपाउंड आपको मिलेगा जो पॉलीमर मिलेगा अब रीजन क्या है उस पॉलीमर से आप इनर्ट सॉल्वेंट को अलग नहीं कर रहे हैं है ना तो पॉलीमर से अगर इनर्ट सॉल्वेंट अलग नहीं हो रहा है सपरेट नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमको पता है यहां पर जो पॉलीमर है पॉलीमर के साथ में कुछ ना कुछ और एड है तो पॉलीमर के साथ अगर कुछ और मिक्स है तो हाँ आपको पता चल रहा है कि यहां पर प्योरिटी डिक्रीज हो रही है डिक्रीज हो गई बिकॉज हमारे पास पॉलीमर के साथ इन सोल्वेंट मिला हुआ है और वो हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली प्योरिटी हमारी डिक्रीज हो रही है अब प्योरिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो मेरे को इतना बताना है आपको कि हमारे पास में जो मोलिकुलर वेट हमारा है मोलिकुलर वेट जो पहली प्रोसेस का था और इस प्रोसेस का इनके मॉलिकुलर वेट में क्या डिफरेंस होगा ठीक है ना जो बल्क प्रोसेस थी उसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा या हमारे पास ये सॉल्यूशन प्रोसेस जो है इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा जल्दी से मेरे को बताइए सभी लोग 嗯嗯嗯嗯 सॉल्यूशन बल्क का ज्यादा होगा सॉल्यूशन बल्क 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 बाकी लोग भी आंसर कर सकते हो यार जल्दी से आंसर करो मेरे को प्योरिटी हमारे पास यहां पर कम होती जा रही है ध्यान रखना हमारे पास जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं ये मोनोमर इनिशिएटर को मिक्स करके और इनर्ट सॉल्वेंट को मिला करके ठीक है ना इनका कंसनट्रेशन बहुत ही कम होता है एक परसेंट बाई वॉल्यूम से एक परसेंट बाई वॉल्यूम से हमारे पास में क्या है भी कम होता है ठीक है ना इनका जो हमारे पास में है कंसनट्रेशन जो होता है इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर बहुत ही कम होता है मतलब डायल्यूट फेज में रिएक्शन हम कराते हैं ताकि अगर विस्कॉसिटी इंक्रीज भी होती है हमारे पास में ठीक है ना तो उस केस में हमारे पास में क्या है मतलब जैसे हमारे पास लरीज होती है ना उस फॉर्म में रिएक्शन होती है जैसे अगर रिएक्शन हो भी बस कॉस्ट इंक्रीज भी हो तो ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े बल्क में प्योर है मतलब मोलिकुलर वेट ज्यादा होना चाहिए सॉल्यूशन पॉलिमेशन अच्छा हमारे पास एक चीज देखो जरा प्योरिटी का सिग्निफिकेंस कहीं भी मोलिकुलर वेट से हो सकता है क्या हाँ जी प्योरिटी का सिग्निफिकेंस हमारे पास कहीं भी मोलिकुलर वेट से हो सकता है क्या प्योरिटी का मतलब क्या है प्योरिटी का मतलब कंसंट्रेशन है ना प्योरिटी का मतलब कंसंट्रेशन है तो उस कंसंट्रेशन का सिग्निफिकेंस मोलिकुलर वेट से कहां से है मोलिकुलर वेट का सीधा सिग्निफिकेंस हमारे पास में है कहां से वो हमारे है स्ट्रक्चर से केमिकल स्ट्रक्चर से मोलिकुलर वेट का सिग्निफिकेंस केमिकल स्ट्रक्चर से है कंसंट्रेशन से दोनों अलग अलग चीजें हैं मोलिकुलर वेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन हमारे पास में क्या है कंसंट्रेशन जनरली उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कितना परसेंट हमारा कंपाउंड है वही तो है हमारे पास अल्टीमेटली कोई सॉल्यूशन है अगर या फिर कुछ भी हमारे पास में है तो कितना परसेंट हमारे पास में क्या है अल्टीमेटली वो कंपाउंड है तो कंसंट्रेशन हाँ, वेरी गुड उत्पल हमारे पास जो बल्क रिएक्टर था बल्क रिएक्टर के अंदर जो तुम्हारी बल्कि चेन बन रही थी चेन का मोलिकुलर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लार्ज था और आपको पता है कि हमारे पास में पूरे रिएक्टर का एक मोलिकुलर वेट होता है एक चेन का मोलिकुलर वेट अगर लाखों में था दूसरी चेन का मोलिकुलर वेट अगर हंड्रेड uh, या थाउजेंड में है उस पूरे बल्क रिएक्टर का अगर आप एवरेज मोलिकुलर वेट निकालेंगे और वहां पर कन्वर्जन भी कम है कन्वर्जन का मतलब समझ लो ना मोनोमर से प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन है वो कितना केवल बीस से तीस परसेंट है मतलब पॉलीमरिक चेन हमारे पास जो ग्रो हुई होंगी तो पॉलीमरिक चेन भी हमारे पास कम मिली है वहां पर कम है ना जितना मोनोमर था पूरा पॉलीमर में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो पॉलीमरिक चेन हमारे पास जो मिली है कम मिली है तो अल्टीमेटली जो भी पॉलीमरिक चेन अगर मिली है तो कोई चेन है हमारे पास बहुत बड़ी लेकिन कुछ चेन बहुत छोटी भी हैं वो ग्रो नहीं हो पाई उनको टाइम ही नहीं मिल पाया बिकॉज 20 परसेंट का तीस परसेंट कन्वर्जन में हमने प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया इस कंडीशन पर हमारे पास अल्टीमेटली जो एवरेज मॉलिकुलर वेट होगा बल्क रिएक्टर का वो कम होगा लेकिन यहां पर क्या है पॉलीमरिक चेन आराम से ग्रो कर रही है कोई समस्या नहीं है हम इसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं हर चेन का लगभग लगभग मॉलिकुलर वेट हमारे पास में क्या है सिमिलर हो सकता है हर वेट चैन का हर चेन का जो मॉलिकुलर वेट है लगभग लगभग सिमिलर या फिर कुछ का हमारे पास ज़्यादा हो सकता है मतलब कहने का मतलब ये यह, सर यहाँ कन्वर्जन हाई का मतलब यहाँ हर मोनोमर पॉलीमर में चेंज हो रहा है तो अगर हर मोनोमर अगर पॉलीमर में अगर चेंज हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारी पॉलीमरिक चेन्स क्या होंगी बहुत ही क्या होंगी लंबी डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन हमारी यहाँ पर हाई मिलेगी मिलेगी ना एज़ कंपेयर टू प्रीवियस इलेक्टर तो डिग्री ऑफ पॉलिमरेशन अगर हाई है तो अल्टीमेटली हमारे पास मॉलिकुलर वेट भी हमारा क्या मिलेगा इस प्रोसेस में हाई मिलेगा डिग्री ऑफ पॉलिमेशन हमारे पास में क्या है बहुत कम है कुछ चेंज का डिग्री ऑफ पॉलिमेशन बहुत ज्यादा है लेकिन वो भी हमने क्या किया भाई साहब ऐसा ना ब्लास्ट कर जाए रन अवे रिएक्शन हो रहा था तो उसको भी हमने क्या किया बीच में फटाफट से प्रोडक्ट को निकाल दिया इसलिए एवरेज मॉलिकुलर वेट जो हमारे पास में है बल्क रिएक्टर का वो कम होता है एज कंपेयर टू सोल्यूशन पॉलिमेशन लॉजिक समझ में आया प्योरिटी से कोई सिग्निफिकेंस नहीं मॉलिकुलर वेट का प्योरिटी सिर्फ इतना बता रही है कि एक्चुअली हमारी कंसंट्रेशन कितनी है जो भी हमारा वहां पर प्रोडक्ट है जो पॉलीमर है वो कंसंट्रेशन बता रही ना कि मॉलिकुलर वेट अभी क्लियर हुआ चलो तो ये कई बार आपको कंफ्यूज करता है हमेशा ध्यान रखिएगा जहां कन्वर्जन हाई मतलब डिग्री ऑफ पॉलिमरेशन हाई वहां मालिकुलर वेट हाई मिलेगा जहां हमारे पास कन्वर्जन लो है ठीक है ना मतलब डिग्री ऑफ हमारा लो है वहां मोलिकुलर वेट भी हमारा कम मिलेगा आज मतलब समझ में आ रहा है कि सर वो डिग्री ऑफ पॉलिमेशन क्यों समझाया था आपने अगर आपको वो पता ना होता तो आज आपको मैं समझाते रह जाता लेकिन समझा ना पाता कि एक्चुअली डिग्री ऑफ हमारा इसका मोलिकुलर वेट कम क्यों है और उसका मोकुलर वेट ज्यादा कैसे है ना फिर आप समझ ना पाते तो आपको तुरंत समझ में आ गया अच्छा हाँ ये लॉजिक है इसका चलो जी अब आते हैं आगे तो हमारे पास सोल्यूशन फॉर्मेशन हम कहा जितने भी हमारे पास को बनाने के लिए हम क्या करते हैं देखो तो हाँ, सबका अपना अपना रोल है अब सपोज मान लो हमें अगर बनाना था और हम बल्क बनाते तो क्या करते अगर देखो ध्यान से अगर हमें बल्क बनाते तो क्या करते तो बल्क में अगर हम बनाने जाते भी तो अल्टीमेटली क्या करते हैं हम वहां एक इनट सॉल्वेंट डालते अगर बल्क रिएक्टर में हम अगर एक सॉल्वेंट डाल दें तो तो बल्क रहा ही नहीं वो तो सॉल्यूशन बन गया तो हर टेक्निक का अपना इस्तेमाल है तो बल्क का इस्तेमाल कहा हो गया प्रोडक्ट हमको प्योर मिला अब यहां समस्या क्या है प्रोडक्ट तो प्योर है नहीं कम हो गई और हमारे पास प्योरिटी भी मैटर करती है ठीक है ना बिकॉज यहां से ऑपरेशन का कॉस्ट इतना ज्यादा आ रहा है कि हम सेपरेशन कर ही नहीं रहे तो चलो ठीक है जैसा भी इस्तेमाल करो चलो अब आते हैं इसके कुछ लाइन्स जरा देख लेते हैं हमारे पास में कि हमारे पास मोनोमर को हम क्या करते हैं डिजोल्व करते हैं किसी भी सुटेबल इनट सॉल्वेंट के अंदर में ठीक है ना अलॉन्ग फ्री रेडिकल इनिशिएटर इनट सॉल्वेंट क्या करता है विस्कोसिटी को कंट्रोल करता है जिससे इंक्रीज नहीं हो जाता और जो हमारे पास हीट ट्रांसफर जो हमारे पास है उसको प्रमोट करता है ठीक है ना जिससे हमारा आसानी से हीट ट्रांसफर हो सके पॉलीमर जो हमारे पास बनता है उसको डिफिकल्ट है हमारे पास इनट सॉल्वेंट से आइसोलेट करना मतलब सेपरेशन हमारे पास डिफिकल्ट है उसका ठीक है अब ये प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि यहां पर हमारे पास में पॉलीमर को अगर सॉल्यूशन फॉर्म में इस्तेमाल करना है तो ही हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं सो so, यहां से हमारे पास जो पॉलीमर्स बनते हैं पॉली एकट्रायल एक्राइलो पॉली एक्राइलोनाट्रायल पॉली एक्रैलो हमारे पास जो है ये जितना भी फाइबर आपका बनता है ना फाइबर कौन सा फाइबर जो वोवेन फाइबर हमारे पास होता है जिसको आप गर्म कपड़ा बोलते हैं वो हमारा एक फाइबर है ठीक है ना तो वो फाइबर जो बनता है हमारे पास कैसा होता है वो सोल्यूशन के फॉर्म में होता है बाद में स्पिनिंग करके हम क्या करते हैं उसको सोलडीफाई करके थ्रेड के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं वो यहां से बनता है पॉली आइसोब्यूटाइलिन एसिड ये सारे हमारे क्या है आपके सोल्यूशन टेक्निक से ठीक है चलो यहां तक देखो जरा सबको क्लियर हो गया फिर मैं आपसे आगे बात करूं सॉल्यूशन भाई सब समझ में आ गया अब आते हैं सबसे मजेदार टेक्निक की तरफ हर चीज देखो इंप्रूव होती जा रही है पहले वाली में फ़ायदा ये मिल रहा था चलो ठीक है भैया हमारे पास प्योरिटी हमको अच्छी मिल रही थी लेकिन हमारे पास ये भी तो मैटर करता है ना वहां तो हमने कंडेंसेशन बना लिए लेकिन एडिशन कैसे करें अभी भी हमारे पास अगर देखा जाए ध्यान से तो अभी भी हमको वो सही टेक्निक नहीं मिली है जो एडिशन पॉलिमराइशन रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट का अच्छा खासा क्या सके प्रोडक्ट दे सके अभी तक नहीं मिली है बल्क इस्तेमाल नहीं कर सकते सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास में क्या है सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल जाएगा तो अभी भी हमको ऐसी टेक्निक नहीं मिल रही है जहां से हम क्या कर पाए अपना टेक्निक बहुत ही इंटरेस्टिंग है नाम से क्लियर हो रहा है सस्पेंशन क्या होता है सस्पेंशन हमारे पास होता है जब किसी पर्टिकुलरली हमारे पास सॉल्वेंट में सॉल्यूट्स हमारे पास में क्या हो डिस्पर्स फॉर्म में हो

सिस्टम के अंदर भी हो लेकिन किसी काम के नहीं हो यही होता है ना आपको सस्पेंड जब कर दिया गया आप उस सिस्टम के अंदर हो लेकिन आपसे कोई काम नहीं कराया जा रहा है चुपचाप बैठे रहो वही सस्पेंडेड है मतलब आप क्या है उस पूरे का पूरा सिस्टम के अंदर हो कौन वो सॉल्यूट पार्टिकल्स सिस्टम क्या है पूरा सॉल्यूशन तो उस सिस्टम के अंदर में हो लेकिन क्या है तुम चुपचाप साइलेंट हो जहां पर थे वहीं पर बने रहो तो सॉल्यूट हमारे पास पार्टिकल का जब किसी सोल सॉल्वेंट पार्ट हम सॉल्वेंट में क्या करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है सस्पेंशन ठीक है ना जैसे आप क्या करते हो कि आप बाईचांस अगर आम पन्ना बनाने जाते हो नींबू पानी अगर पीते हो तो नींबू पानी अगर आप पीने जाते हो तो वहां पर आपने देखा होगा तो नींबू पानी बनाते टाइम जो नींबू के हमारे जो फाइबर्स होते हैं आप ग्लास में जब डालते हो ग्लास में डाल के जब एजिटेट कर देते हो तो वो फाइबर्स पूरे हमारे पास में क्या है उस लिक्विड में उस ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक्चुअली जो आप वो नींबू पानी देखते हो वो एक सस्पेंशन है वो क्या है वो वो एक सस्पेंशन है क्लियर है सस्पेंशन क्या होता है पता चल गया अब एक चीज ये पता चल रही ये सस्पेंशन हमारे पास इतनी आसानी से नहीं बन सकता रीजन क्या है कि पार्टिकल इतने बेसरम टाइप के अगर आपने इनको छोड़ दिया ये पार्टिकल जितने भी हैं हमारे पास में बिकॉज ये हमारे पास साफ दिख रहा है कि सस्पेंशन बनाने के लिए एक सॉल्यूट चाहिए एक सॉल्वेंट चाहिए अब ये सॉल्वेंट हम कौन सा इस्तेमाल करें और सॉल्यूट क्या हो अगर सॉल्वेंट आप पिछले इनर्ट सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर से वो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन फॉलमेशन बन जाएगा वो हम कर नहीं सकते बिकॉज हमें अब सॉल्वेंट ऐसा इस्तेमाल करना है जो हमारा आप सेपरेट किया जा सके हम इनर्ट सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे वो ऐसा हो जो सेपरेट कर सके तो हमें पता है पूरी दुनिया में सबसे जो हमारे पास में क्या है जो प्रीमियम सॉल्वेंट है वो वाटर है आसानी से अवेलेबल भी है आसानी से सेपरेट कर सकते हैं कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है और दूसरा क्या है, हीट उसकी अच्छी खासी है। इसलिए हमारे पास हमने क्या है यहां पर सॉल्वेंट है ठीक है अब ध्यान से देखो जरा अब मेरे को इतना बताओ जरा कि वाटर में अगर हम कोई मोनोमर ऐड करेंगे बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को ठीक है ना डायग्राम बाद में देखना क्या लिखा है यहां पर अगर डायग्राम देखने पर जाओगे क्या क्या बना हुआ है क्या लिखा हुआ है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं स्किप कर जाओगे फिर प्रॉब्लम आएगी हमारे पास अगर वाटर में कोई भी हम एक ऐसा कंपाउंड ऐड करें जो वाटर में इमसिबल है क्या है वाटर में इमेसिबल है कौन बिकॉज तो जो मोनोमर हम लेने वाले हैं मोनोमर हमारा ऑर्गेनिक फेज का है और वो मोनोमर तुमको पता है वाटर में इमेसबल है जैसे आप पानी में तेल की ड्रॉप डालते हैं तो हमारे पास अगर वो मोनोमर अगर इमसिबल इस केस में क्या होगा फिर क्या होगा मतलब रिएक्शन हमारे पास कराएं? ऑर्गेनिक फेज में रहा है, है? है, तो है, है तो यहां पर हमें एक ऐसा इनिशिएटर चाहिए जो ऑर्गेनिक फेज में ही क्या करे रिएक्शन करे एक्वस फेज तो हम कर नहीं सकते तो हमें यहां पर क्या करना है हमें एक ऐसा मोनोमर चाहिए जो हमारा क्या करे ऑर्गेनिक फेज में ही क्या करे रिएक्शन करे तो हमारे पास यहां पर क्या है ध्यान से देखो जरा हमें जो मोनोमर लिया वो एक ऑर्गेनिक फेज का है ठीक है ना और दूसरा हमारे पास जो हम एक इनिशिएटर लेंगे ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं ये ऑर्गेनिक फेज के हैं ठीक है जी अब क्वेश्चन ये बनता है ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि ये हमारे पास में ऑर्गेनिक फेज के तो हैं लेकिन ये वाटर के साथ मिक्स किए जा रहे हैं ठीक है, है ना ये वाटर के साथ में मिक्स किए जा रहे हैं तो वाटर के साथ अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन कैसा बना पूरा ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है या हाइट्रोजीनियस सॉल्यूशन है हमने अगर ऑयल को वाटर में मिक्स किया तो वो सॉल्यूशन कैसा है होमोजीनियस सॉल्यूशन है कि हाइट्रोजीनियस सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में मिसबल नहीं है इसलिए जो हमारे पास सॉल्यूशन है एज पर द फेस ठीक है ना तो वो हमारे पास जो सॉल्यूशन है एक हेट्रोजीनियस हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा यहां पर भी हमें साफ पता चल रहा है कि ये मोनोमर इनिशिएटर हमारे ऑर्गेनिक फेज के हैं वाटर के साथ मेमोसिबल नहीं होंगे मीन्स हमारे पास ये जो पॉलीमराइजेशन होगा ये एक हेट्रोजीनियस पॉलीमराइजेशन होगा बिकॉज ये वाटर में हमारे पास मिक्स किए जा रहे हैं हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैसे हो रहा है पहले होमोजीनियस क्यों थे रीजन क्या था वहां पर हमारे पास सिर्फ नॉर्मली क्या था मोनोमर इनिशिएटर और सारे के सारे हमारे पास में क्या था एक फेज में रिएक्शन थी लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या है ये एक हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर वाटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मोनोमर इनिशिएटर मतलब वाटर अगर हमारा सॉल्वेंट है तो हमारे जो मोनोमर इनिशिएटर जो है वो सॉल्यूट है तो सॉल्यूट से हमारे पास में सॉल्वेंट का कंसनट्रेशन ज्यादा है तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास में और रिएक्शन भी हमारे पास कैसी है बिकॉज दोनों हमारे इमोसिबल हैं इसलिए रिएक्शन हमारे पास कैसी है रिएक्शन हमारी हो गई है आपकी हेट्रोजीनियस रिएक्शन ठीक है ना अब आगे देखिए जरा ध्यान से अब यहाँ पर क्या है हम सबको पता है कि अगर ऑयल को हम पानी में डाल देते हैं तो हमारे पास ऑयल सारा एक जगह कलेक्ट रहता है है ना अगर मैं ग्लास में ऑयल को डाल दूं तो ऊपर हमारे पास ऑयल की लेयर बन जाएगी नीचे हमारे पास पानी रहेगा इसका रीजन एफ एम बताता है रीजन क्या ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है इसलिए वो आपका फ्लोट करता रहता है ऐसा होगा वहीं अगर आप क्या करें अगर मरकरी ले लें सपोज या फिर कोई हायर डेंसिटी का मटेरियल ले लें तो वो जा करके बेस में बैठ जाएगा तो हमारे पास में एक्चुअली जो हम मोनोमर ले रहे हैं तो हमें इसकी एक्चुअली अभी डेंसिटी नहीं पता है वो जब हम पर्टिकुलरली कोई मोनोमर लेंगे तो उसके कैमिकल प्रॉपर्टी से डेंसिटी हमको पता चल जाएगी लेकिन यहाँ पर ये प्रॉबर्टी है कि डेंसिटी या तो हमारे पास में क्या है वाटर से कम होगी या वाटर से ज्यादा होगी ऐसा हो सकता है बिकॉज एक ही मोनोमर तो लेकर के बनाना नहीं है कोई भी मोनोमर लेकर के इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोई भी अगर आप मोनोमर ले रहे हैं तो प्रॉबर्टी है कि उस मोनोमर की डेंसिटी वाटर से ज्यादा या वाटर से कम हो सकती है अगर डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है मतलब वो बेस में मिलेगा तुमको हर बार नीचे बैठा हुआ मिलेगा अगर डेंसिटी वाटर से कम है तो ऊपर फ्लोट करता हुआ मिलेगा अब समस्या ये है कि मोनोमर और इनिशिएटर को लेकर के अगर हमने यहां पर ऐड कर दिया और सिंपली तो हमारे पास पानी नीचे रहेगा और मोनोमर इनिशिएटर ऊपर ऊपर रहेंगे अब करा लो तुम रिएक्शन ये सस्पेंशन तो बना नहीं रीजन क्या है पानी नीचे है और हमारे पास ऑर्गेनिक फेस के मोनोमर इनिशिएटर ऊपर है तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है ये उतना हमारे पास अच्छा कन्वर्जन अब मिलने से रहा बिकॉज वो जो हमारे पास मोनोमर है वो हमारे पास हंड्रेड परसेंट क्या है इस वाटर के में नहीं है होता है ना हमें पता है ना कि जब हम बात करते हैं जो हमारा इंटरफेस होता है इंटरफेस का मतलब कोई भी लिक्विड हमारा और दूसरा हमारे पास उसका सराउंडिंग में दूसरा हमारा क्या होता है एयर तो जो इंटरफेस हमारे पास होता है उस इंटरफेस पर हमारे पास में क्या है अनबैलेंस्ड कोहसन बनता है अगर कोई अगर एक पार्टिकल अगर हमारे पास अगर सपोज आपका मोनोमर अगर है तो मोनोमर का जो अंदर का सरफेस होगा सपोज मान लीजिए ये अगर मोनोमर पार्टिकल है ये हमारा वाटर आपका ऐसे भरा हुआ है अंदर का जो सरफेस होगा यहाँ पर तो हमारे पास में क्या है ये इसको अंदर की तरफ रहा होगा मिसिबल नहीं है ठीक है ना तो इतना स्ट्रांग हमारे पास पहली बात तो क्या है कोशन नहीं होगा मिसिबल नहीं है ना बिकॉज वाटर का हमारे पास में जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास में है इसको खींच नहीं पाएंगे बिकॉज तो आपको पता है अगर विस्कोसिटी वाइज बात करें कोहसन वाइज अगर बात करें तो ऑयल मॉलिक्यूल का कोहसन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू वाटर है ना ऑयल मॉलिक्यूल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है तभी हमारे पास में क्या है वो ईजिली फ्लो नहीं करता विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती है तो हमारे पास आपको पता है कि ये पार्टिकल ऐसे ही फ्लोट करता रहेगा आधा पार्टिकल हमारा वाटर के कॉन्टेक्ट में है और आधा पार्टिकल हमारा क्या एयर के कॉन्टेक्ट में है क्यों अनबैलेंस क्वेश्चन बन रहा है अब रिएक्शन अगर इनिशिएट होगी तो नीचे का पार्टिकल से एनर्जी रिलीज होगी तो वाटर में चली जाएगी लेकिन ऊपर वाली कहां जाएगी फिर समस्या तो हमें करना क्या है कि इन सारे के सारे मोनोमर पार्टिकल्स को क्या करना है पूरे के पूरे वाटर सॉल्यूशन में सस्पेंड करना है डिस्पर्ज करना है इसलिए हमने लगाया क्या आपका एजिटेटर तो नींबू पानी जब बनाते हो नींबू पानी मगर थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हो अगर आप स्टार्टिंग में नींबू पानी मगर नींबू आप डालते हो तो उसके जो फाइबर्स होते हैं थोड़ी देर क्या रहते हैं ऊपर ही कलेक्ट रहते हैं नीचे तक नहीं पहुंचते हैं है ना फिर आप स्पून लेकर के अच्छे से स्तर करते हो क्यों स्टर करते हो भाई पानी में नींबू डाल के चुपचाप पी जाओ लेकिन नहीं आप स्पून लेकर के अस्टर जरूर करते हो एजिटेट जरूर करोगे रीजन क्या है कि आप चाहते हो कि हमारे पास में नींबू के जो फाइबर्स हैं ये होमोजीनियसली हमारे पास में क्या है पूरे में क्या हो जाए डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ताकि पूरे पानी का टेस्ट हमारे पास में क्या है सेम आया है ना तो यही हम काम करते हैं एजिटेटर की हेल्प से तो हमने क्या किया मोनोमर ड्रॉपलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया एजिटेटर अब जैसे ही हमने ऑयल को पानी में डाल करके जैसे ही हमने एजिटेट अगर करना स्टार्ट कर दिया तो हमें पता है कि उस ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे फायदा क्या मिला ध्यान सुनना जरा फायदा हमारे पास ये मिल गया कि अब हमारे पास एक छोटा सा ये मोनोमर का ड्रॉपलेट है बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक छोटा सा मोनोमर का ड्रॉपलेट है इस छोटे से मोनोमर का ड्रॉपलेट का पिक्चर मैंने यहां पर लिया है ये हमारा एक मोनोमर है मोनोमर के मोनोमर के सराउंडिंग में कौन है इनिशिएटर बिकॉज़ भाई आपने इनिशिएटर भी तो ऐड किया है वो भी ये सराउंडिंग में तुमको पता है कि मोनोमर को इनिशिएट कर देगा हमारा इनिशिएटर रिएक्शन स्टार्ट हो गई मोनोमर और इनिशिएटर दोनों हमारे ऑर्गेनिक फेज के हैं ठीक है ना प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है कि रिएक्शन स्टार्ट हो गई पॉलीमर बनने लगा पॉलीमर कहां बन रहा है बहुत ही स्मॉल स्केल में मिल बन रहा है छोटा सा पार्टिकल है हमारे पास देख रहा है ना एक एक छोटा सा पार्टिकल हमारे पास में है इस मोनोमर को इनिशिएटर ने इनिशिएट कर दिया और पॉलीमर हमारा बनना स्टार्ट हो गया चैन हमारा ग्रो करने लगा यहां पर हमारे पास में क्या है बहुत ही स्मॉलर लेवल पर रिएक्शन हो रही है अब एक चीज ध्यान से देखना जरा अगर सिर्फ इतने पार्ट को आप देखें देखो जरा ध्यान से सिर्फ इतने पार्ट को आप देखें तो यहाँ पर क्या है एक मोनोमर है और एक इनिशिएटर है ऐसा अभी तक कोई आपने टेक्निक पढ़ा जहां पर एक मोनोमर होता हो और एक इनिशिएटर होता हो और कुछ नहीं ऐसी कोई टेक्निक आपने पढ़ी जहां पर सिर्फ एक मोनोमर होता हो और एक इनिशिएटर होता हो और कुछ नहीं हाँ सर हमने पढ़ी थी वो थी बल्क पॉलीमराइजेशन तो अगर ध्यान से देखो जरा तो इतना हमारे पास अगर देखो इस पिक्चर को तो ये पूरी पिक्चर हमें ये नहीं बता रही कि हमारे पास एक ये, ये बल्क रिएक्टर बन गया लेकिन साइज बहुत छोटा छोटा सा पार्टिकल है मतलब तो तो एक टाइनी बल्क रिएक्टर बन गया बहुत छोटा सा इसको देख के फीलिंग आ रही है कि सर हमारे पास एक छोटा सा टाइनी बल्क रिएक्टर बन गया ये छोटा सा इसके अंदर का पिक्चर है कहीं इस पूरे रिएक्टर के अंदर का पिक्चर है एक जगह का बन गया ऐसे छोटे छोटे पता नहीं कितने सारे हमारे पास टाइनी के अंदर बन चुके हैं लेकिन एडवांटेज क्या मिल रहा है एडवांटेज यह मिल रहा है कि सर स्टल्टर के सराउंडिंग में कौन बैठा है इस टाइनी के सराउंडिंग में कौन है वॉटर है जैसे ही यहां से हीट रिलीज होगी हमारे पास सराउंडिंग में वॉटर बैठा हुआ हीट को ऑब्जॉर्व कर लेगा कोई समस्या नहीं है आसानी से हमारी रिएक्शन यहां पर कंटिन्यू हो सकती है समस्या सॉल्व जो हमारे पास हीट रिजोल्यूशन की समस्या जो आ रही थी वो समस्या हमारी यहां पर सॉल्व हो गई आसानी से हमारी हीट क्या कर लेगा, ये कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती कि बाई चांस आपने एजिटेटर को बंद कर दिया एजिटेटर को स्लो कर दिया या फिर हमारे पास में क्या है ये पार्टिकल अगर किसी दूसरे पार्टिकल के साथ में जाकर के अटैच हो गया क्यों रीजन आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा वाटर में इमसबल है तो हमारे पास होता है ना कई बार हम अगर किसी अनजान शादी में जाते तो हम क्या सोचते हैं यार कोई तो मिल जाए कम से कम जिससे हम कुछ बातें कर सकें तुम तो ऐसे ही घूम रहे होते हो इस पॉलीमर पार्टिकल की तरफ कोई जानने वाला नहीं कोई पहचानने वाला नहीं बिकॉज जितना भी सराउंडिंग के लोग हैं वो तुमसे अनजान है इसका सराउंडिंग है पूरा वाटर है तो ये क्या करेगा इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर में क्या करेगा किसी न किसी क्या करेगा अपनी बिरादरी वाले अपने टाइप के मतलब किसी पॉलीमर को ढूंढेगा या फिर क्या करेगा किसी मोनोमर को ढूंढेगा मतलब ऑर्गेनिक फेस को ढूंढेगा ऑर्गेनिक फेज को जब ये ढूंढेगा तो जाकर के उससे चिपकेगा फिर समस्या है जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास में पार्टिकल्स क्या हैं आपस में कलेक्ट हों हम नहीं चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि हमारे पार्टिकल सारे दूर दूर रहें जिससे हमारी पॉलीमोनेशन रिएक्शन जो है ना एफिशिएंटली हो सके क्यों क्योंकि हमारे पास अगर एक मोनोमर का साइज ज्यादा बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसको मोनोमर को हमें पार्टिकल मोनोमर uh, पार्टिकल को पॉलीमर में चेंज करने के लिए हमें टाइम भी ज्यादा चाहिए बहुत टाइम चाहिए उस मोनोमर का हंड्रेड परसेंट कन्वर्जन पॉलीमर में हम कर पाए उसके लिए हमारे पास में क्या हमें टाइम चाहिए उतना टाइम हमारे पास नहीं है इसीलिए हमने इस सारे अरेंजमेंट किए है। है कि तो -फट हैं हम यही चाहते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में फटाफट हमारे पास मोनोमर से क्या पार्टिकल में पॉलीमर में चेंज होते रहे हम यही चाहते हैं इसलिए हम साइज़ बड़ा होना नहीं चाहते हैं नहीं तो हमारे पास में क्या होगा बल्क क्रैक्टर वाला चांस बनेगा बड़ा सा हमारे पास मोनोमर पार्टिकल इनिशिएटर फिर क्या होगा रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट होने ही वाली थी लेकिन कन्वर्जन पूरा हो ही नहीं पाया तो हमारे पास में क्या होगा इस इस स, सस्पेंशन पॉलिमेशन रिएक्टर के अंदर में क्या होगा छोटे छोटे से और क्या बनने लगेंगे इतने छोटे नहीं इससे बड़े साइज के क्या बनने लगेंगे बल्क रिएक्टर फिर हमारा कन्वर्जन उतना नहीं हो पाएगा उससे पहले रिएक्शन हमारे क्या है खत्म हो जाएगी तो इस केस में हम यही चाहते हैं कि पार्टिकल का साइज जितना छोटा उससे हमारा कन्वर्जन क्या होगा उस छोटे से पार्टिकल कन्वर्जन हंड्रेड परसेंट इस तरह से जितने मोनोमर पार्टिकल्स होंगे उनका कन्वर्जन हमारे पास लगभग हंड्रेड परसेंट क्या गजब की चीज है हमने एक एक पार्टिकल को पकड़ा है ना एक एक पार्टिकल को पकड़ा और उसके पीछे क्या किया अपना बंदा लगा दिया कौन वाटर वाटर हमारे पास में क्या है वाटर के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि मोनोमर को पकड़ सके फिर हमें चाहिए एक ऐसा बंदा होता है ना कई बार में आप किसी को प्रपोज करने गए उसने मना कर दिया फिर गए फिर मना कर दिया फिर गए, फिर गए फिर मना कर दिया बड़ी समस्या है फिर आप क्या करते हो फिर आपको पता चलता है कि उसकी जो रूममेट है वो आपके बेस्ट फ्रेंड की काम बन गया कि आप जिसको प्रपोज कर रहे हैं उसकी जो रूममेट है वो आपके बेस्ट फ्रेंड की आपका काम बन गया तुम क्या बोलोगे बेस्ट फ्रेंड से यार उससे थोड़ा सा सोर्स लगवाओ ना अब वो तुम्हारा जब सोर्स लगाने जाएगी तो वो अपने रूममेट को समझाएगी यार देख ले यार लड़का अच्छा है यार ग्रेड्स भी उसके अच्छे आते हैं अब उसका अच्छा है तेरे को रिक्रूटमेंट जब आएगा यहाँ पर

दोनों की सरफेस केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें दोनों की सरफेस केमिस्ट्री अलग है तो आपने पकड़ा किसको आपने उस बंदे को पकड़ा जो उस क्या जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसी की क्या है बिरादरी की हो तो वही स्टेबलाइजर काम अच्छा कर सकती है रीजन क्या है आप ये भी तो बोल सकते थे ना अपने बेस्ट फ्रेंड से यार एक बार तू भी बात करके देख ले पता चला वो भी बात करने जाता वो भी दो लपड़ खा के आता तो आपने पकड़ा किसको उसी को पकड़ा जो उसकी बिरादरी की है मतलब आपने फीमेल को समझाने के लिए फीमेल को ही पकड़ा तो यहां पर हमारे पास में क्या है हम एक ऐसा पर्टिकुलरली कंपाउंड लेकर के आए जो हमारा क्या है इस मोनोमर को भी समझता हो और वाटर को भी समझता हो तो ऐसा दुनिया में एक ही कंपाउंड बना है जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी हैं जो ऑर्गेनिक फेस को भी समझता है और एक्वस फेस को भी समझता है उसी को हम बोलते हैं सोप क्या बोलते हैं उसी को सोप बोलते, है, बोलते हैं उसी को डिटर्जेंट बोलते हैं बिकॉज उसके अंदर हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं उसके पास हमारे पास हाइड्रोफोबिक नेचर भी है और हाइड्रोफिलिक नेचर भी है उसके पास एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जो पानी से नफरत करता है लेकिन एक ऐसा कंपाउंड भी जो पानी से प्यार करता है इसलिए हमने यहां पर मिक्स किया क्या हमने मिक्स किया एक अपना स्टेबलाइजर तो ये स्टेबलाइजर क्या कर रहा है ध्यान से देखो जरा ये जो तुमको यहां पर एक लेयर जो सर्किल तुमको दिख रहा है ये स्टेबलाइजर का ही रोल है स्टेबलाइजर क्या करेगा ये स्टेबलाइजर हमारे पास वॉटर और मोनोमर इनिशिएटर पार्टिकल्स के बीच क्या करेगा रिलेशनशिप बनाकर रखेगा इससे क्या होगा हमारे पास में इससे क्या होगा हमारा ये मोनोमर पार्टिकल बार बार जाकर के क्या करेगा कलेक्ट नहीं होंगे एक्मलेट नहीं होंगे तो ये स्टेबलाइजर का रोल है ठीक है क्लियर हुआ वॉट इज रोल ऑफ स्टेबलाइजर तो स्टेबलाइजर का रोल क्या है कि जो हमारे पास मोनोमर पार्टिकल है उस मोनोमर पार्टिकल और वाटर के बीच में क्या एक स्टेबिलिटी बना करके रखना बिकॉज दोनों दूर दूर भाग रहे हैं ना तो उनके बीच एक स्टेबिलिटी बना करके रखेगा और वो स्टेबिलाईजर कौन है वो है हमारा एक डिटर्जेंट पाउडर ठीक है ना वो हमारा है एक डिटर्जेंट यहां तक देखो जरा समझ में आ गया पूरी प्रोसेस समझ में आ रही ना बोला ना जैसे जैसे आगे बढ़ोगे भाई साहब क्या है समस्याएं बढ़ती जाएंगी सबको समझ में आ गया चलो ठीक है अब स्टेबलाइजर ने क्या किया इसको स्टेबल कर दिया ये वापस से क्या करेगा भाग करके दूसरे मोनोमर के साथ मिक्स नहीं होगा वापस से ये कमलेट नहीं होंगे ये इसको पकड़ के रखा हुआ है एजिटेटर घूम रहा है छोटे छोटे टैनिक बल्क करेक्टर्स बने हुए हैं वहां पर हमारे पास स्टेबलाइजर ने उसको पकड़ के रखा है बाहर से हमारे पास ने उसको पकड़ के रखा हुआ है पानी और मोनोमर के बीच हमारे पास एक उसने क्या किया लेयर बना दी है वो लेयर हमारे पास ऐसी है कि हमारे पास वो मोनोमर को भी क्या कर रही है पकड़ के रखी है और पानी को भी पकड़ के रख रही है बिकॉज डिटर्जेंट के पास हमारे पास हमारे एक हाइड्रोफिलिक क्या होता है एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है तो हमारे पास हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो क्या करेगा वो पानी को पकड़ेगा बिकॉज वो वाटर लविंग नेचर का है जो हाइड्रोफोबिक टेल है जो पानी से नफरत करता है लेकिन उसकी टेंडेंसी कैसी है उसकी टेंडेंसी है मोनोमर की वो मोनोमर के साथ में अटैच हो जाएगा तो हमारे पास हेड और टेल आपस में क्या है टेल ने पकड़ लिया मोनोमर को हेड ने पकड़ लिया पानी को लो जी बन गया बॉन्ड हमारे पास कोई समस्या नहीं है और इस तरह से हमारे पास में क्या है एक छोटा सा ये रिएक्टर हमारा क्या है पॉलीमराइज होता रहेगा मोनोमर से हमारे पास में क्या है पॉलीमर बनता रहेगा ये मोनोमर हमारा कहीं जाने वाला भी नहीं है ये स्टेबल हो गया हमारे पास और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर मिलियंस ऑफ इस तरह से मोनोमर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे सिस्टम के अंदर वो पॉलीमर में चेंज हो रहे हैं पॉलीमर में चेंज हो रहा है तो साइज लगभग लगभग हमारे पास होता है इस मोनोमर पार्टिकल का जो साइज होता है वो वन बाई हंड्रेड एम के आसपास होता है तो पार्टिकल साइज हमारे पास था मोनोमर का वो हमारे पास वन बाई हंड्रेड एम के आसपास होता है ठीक है चलो यहां तक समझ में आ गया अब एक चीज आती है यहां से हमारे पास में क्या होगा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमारे पास होगा वहां पर हमारे पास क्या बनेगा अल्टीमेटली वहां पर जो पोलिंग तो ऐसा तो नहीं है ना बॉल बन जाएगा ड्रॉपलेट को अगर आप पॉलीमराइज कर देंगे तो डॉपलेट पॉलीमराइज़ होकर हमारे पास बॉल तो नहीं बन जाएगा क्या बनेगा वो एक छोटा सा हमारे पास पार्टिकल होगा जिसका साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है लाइक बीड पियर ठीक है ना तो यहां से जो प्रोडक्ट हमको मिलता है जो सॉलिड पार्टिकल्स हमें मिलते हैं उनका साइज लगभग लगभग बीड या जो मोती हमारे पास होता है उसके हमारे पास साइज का होता है इसलिए ना बीड या पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, ना? हैं। है? इसका नाम हमारा क्या है बीड या पर पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं इसको मोती के साइज का हमारे पास मिलता है। यूरिया देखा जैसे यूरिया से थोड़ा बड़ा अब ऐसे पॉलीमर्स हमको मिल गए कन्वर्जन हमारा एफिशिएंट रहा है मतलब कन्वर्जन अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड परसेंट ठीक है ना अब प्रॉब्लम क्या है कि पॉलीमर जो हमें अल्टीमेटली जो मिलेगा क्या होगा उसमें पॉलीमर स्टेबलाइजर और वाटर पॉलीमर स्टेबलाइजर और वाटर कुछ प्रॉब्लम ये आती है हमारे पास में कि जब ग्रोइंग पॉलीमर चेन होती है तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ग्रोइंग पॉलीमर चेन जो ऑर्गेनिक फेस की है स्टेबलाइजर हमारा जो है उसका हेड हमारा कैसा है हाइड्रोफिलिक का है की का है का है वाटर के नेचर का टेल हमारा कैसा भाई साहब वो भी ऑर्गेनिक नेचर का है तो हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप में जा रहे हो और तुमको कोई जान पहचान का मिल जाए तो बोल दे तो तुम चलो हम आ रहे हैं तो कोई चैन ऐसी हो जा करके क्या हो आपका स्टेबलाइजर से अटैच हो जाए हो सकता है कोई चैन ऐसी हो सकती है कि जा करके स्टेबलाइजर से अटैच हो जाए अगर वो जाकर के स्टेबिलाईजर से अगर अटैच हो गई तो अल्टीमेटली हमें ये प्रॉब्लिटी दिख रही है कि हमारे पास इस पॉलीमेशन टेक्निक के अंदर कुछ साइड प्रोडक्ट भी बन सकते हैं बिकॉज अगर कोई पॉलीमरिकेन अगर स्टेबिलाईजर से अटैच अगर हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो साइड हमारे पास प्रोडक्ट बनाएगी एक प्रॉब्लम पहले दिखी कि यहां पर कुछ साइड प्रोडक्ट बन सकते हैं ठीक है ना दूसरा हमारे पास में क्या है अब यहां से हमारे पास प्रॉब्लम जो दूसरी आ रही है कि पॉलीमर को वाटर से सेपरेट करना है स्टेबलाइजर को सपरेट करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से हो सकता है बिकॉज वाटर को करना इज नॉट अ टफ टास्क तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा पॉलीमर जो बीट्स हमको मिले हैं जो पीयर मिले हैं उनको वाटर से सपरेट करना तो वो हम आराम से सेट कर लेते हैं ठीक है ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहां से हमारे पास में क्वेश्चन ये बनता है यहां से जो पॉलीमर हमको मिला है तो उस पॉलीमर से हमारे पास आपको पता है कि आपने उसमें स्टेबलाइजर भी ऐड किया था आपने उसमें वाटर भी ऐड किया था इस पॉलीमर की जो प्योरिटी होगी पहले जो हमने पढ़ा था बल्क रिएक्टर उससे ज्यादा होगी या कम होगी जो प्योरिटी होगी यहां पर मिलने वाला जो हमारा पॉलीमर है उसकी प्योरिटी हमारे पास बल्क रिएक्टर था उससे ज्यादा होगी या कम होगी जल्दी से बोलो हाई और लो द प्योरिटी ऑफ द पॉलीमर दैट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस इज हाई और लो प्योरिटी ज्यादा होगी और कोई मैंने साफ साफ बोला कि हमारे पास जो तो पॉलीमर बन रहा है उस पॉलीमर के साथ में उस पॉलीमर के साथ में हमारे पास एक स्टेबलाइजर है और वाटर कंटेंट है दुनिया में कोई ऐसा प्रोसेस बना है कि वो हंड्रेड परसेंट हमारा क्या करे आपका हंड्रेड परसेंट कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड है उसको क्या कर दे सपरेट कर दे अगर आप पॉलीमर से अगर हंड्रेड परसेंट वाटर स्टेबलाइजर सेपरेट करना चाहते हो सोच सकते हो कितना पैसा लगाना पड़ेगा आपको कितनी सारी प्रोसेस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी तो जितने का पॉलीमर नहीं बना उससे ज्यादा पैसा चला गया में और वाटर अगर 100% परसेंट रिमूव करना चाहते हो तुम्हें चाहिए ड्रायर क्या चाहिए 100% परसेंट वाटर रिमूव करने के लिए तुमको ड्रायर चाहिए बिकॉज हंड्रेड परसेंट वाटर रिमूवल के केवल ड्रायर के अंदर हो सकता है वो कंडीशन कहलाएगी बोन ड्राई कंडीशन पता चला ड्रायर के अंदर पॉलीमर रखा हमने क्योंकि वाटर हमारे क्या करना है हंड्रेड परसेंट मूव करना है ड्रायर के अंदर रखा पता चला ड्रायर से हमारा वाटर तो रिमूव हो गया लेकिन पॉलीमर के बीट्स हमारे मेल्ट हो गए किसी काम के नहीं बचे और समस्या जो पॉलीमर बीट्स हमारे थे वो हंड्रेड परसेंट मेल्ट हो गए गया काम से ट्राई करोगे हंड्रेड परसेंट मूव करने का कर भी नहीं पाओगे तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ से जो पॉलीमर मिलेगा उसकी प्योरिटी हमारे पास हंड्रेड तो कतई नहीं होगी क्योंकि उसमें वाटर भी मिक्स है और स्टेबिलाईजर भी मिला हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ उनका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन हमारे पास उस पॉलीमर में हमेशा रहेगा तो अगर हमारे पास किसी पॉलीमर में अगर बाकी कंटेंट का इंग्रेडिएंट अगर है तो ऑब्वियसली हमारे पास पॉलीमर की प्योरिटी 100 परसेंट कभी नहीं होगी जो हमें बल्क करेक्टर में मिल रही थी इसलिए ये जितनी प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं इन सारे प्रोसेस का प्योरिटी लगातार डिक्रीज होता जा रहा है सबसे हाइएस्ट प्योरिटी बल्क में मिलती है अब तुमको समझ आ रहा है बल्क क्यों अच्छा है सबके अपने बेनिफिट्स हैं तो बल्क हमारे पास जो है तो उस बल्क के अंदर हमारे पास, हमें ये है कि हमारा मिल रहा है लेकिन यहां पर, पर हमारे हाँ एक -एक पार्टिकल को पकड़ करके तुमने क्या किया पॉलीमराइज किया है ये तो वही बात हो गई ना कि तुम सारे के सारे जितनी गेट प्रिपरेशन कर रहे हो सबके पीछे क्या है कि इंडिविजुअल आपको टीचर लगा दिया जाए देखता हूं कैसा नहीं पढ़ते उठो पढ़ो रिविजन हुआ दिया समझ सकते हो ना तुम्हारी रैंक कहां पहुंचेगी हर एक स्टूडेंट के पीछे एक टीचर ये वही वाला हाल हो गया तो वहां पर हर हमारे पास पार्टिकल हर पार्टिकल मतलब क्या लगभग लगभग एक साइज का पार्टिकल के पीछे हमारे पास में क्या है आपका पॉलीमेशन हमने लगाया है ठीक है ना स्टेबलाइजर की वजह से हमारे पास में क्या है कि लगभग हमारे पास पॉलीमेशन जो हमारे पास हो रहा है बहुत ही स्मॉलर लेवल पर हो रहा है कहने का मतलब ये इस वजह से हमारे पास में क्या है तो कन्वर्जन हमको मिल रहा है वो हाई मिल रहा है अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहां जो मोलिकुलर वेट हमको मिलेगा वो बल्क रिएक्टर से ज्यादा होगा कि कम होगा जो मॉलिकुलर वेट होगा इस पॉलीमर का वो बल्क रिएक्टर से ज्यादा होगा कि कम होगा इसका आंसर करो जल्दी से यहां पर मिलने वाले पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट बल्क रिएक्टर से ज्यादा होगा कम होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सर स्मॉल डॉपलेट मिलके हाई कन्वर्जन देंगे ना तो प्योरिटी हाई होगी उत्पल एक बार सोच के देखो प्योरिटी हाई होगी कि हमारे पास में अल्टीमेटली मॉलिकुलर वेट हाई होगा प्योरिटी का मतलब कंसंट्रेशन से है फिर से रिपीट कराते हो मेरे से बार बार प्योरिटी का मतलब कंसंट्रेशन से है अगर आपने अगर आपने हंड्रेड के मोनोमर लिया था तो तुमको हंड्रेड के का अगर कन्वर्जन अगर अच्छा हुआ है तो हंड्रेड के जी का सपोज मान लीजिए नाइनटी के जी पॉलीमर मिल गया है ठीक है 100 के जी मोनोमर से 90 के जी हमारे पास पॉलीमर मिल गया है तो क्या 90 के जी प्योर पॉलीमर मिला है हाँ जी हमारे पास जो तो पॉलीमर मिला है वो 90 के जी प्योर पॉलीमर है उस 90 के जी के साथ में हमारे पास में कौन है तो स्टेबलाइजर भी है और वाटर भी है जब पॉलीमर मिला उसको वाटर भी आ गया साथ में स्टेबलाइजर भी आ गया अब मेरे को बताओ जरा कि उसकी प्योरिटी कम है या ज्यादा है समझ में आया जो कंसंट्रेशन हमारी है वो प्योरिटी डिफाइन करती है फाइनल कंसंट्रेशन जो है हमारे पास तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में हमारे पास पॉलीमर है स्टेबलाइजर है और वाटर है ये तीनों चीजें हैं ठीक है ना तो वहां पर हमारे पास अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो कम है वो प्योरिटी है अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर मोलिकुलर वेट भी कम होगा मॉलिकुलर वेट कम कहां से होगा मेरे भाई मोलिकुलर वेट डिपेंड करता है केमिकल स्ट्रक्चर पर ना कि प्योरिटी पर अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है मोलिकुलर वेट डिपेंड करता है कन्वर्जन कन्वर्जन हाई का मतलब केमिकल स्ट्रक्चर हमारा हाई केमिकल स्ट्रक्चर हाई का मतलब डिग्री या पॉलिमरेशन हाई है समझने का ट्राई करो ना हर एक मोनोमर पार्टिकल को स्मॉलर लेवल पर आपने किया, किया पॉलीमराइज किया है वेट भी हमको हाई मिलेगा। तो हमें साफ दिख रहा है कि लगातार प्योरिटी तो डिक्रीज कर रही है लेकिन मोलिकुलर वेट इंक्रीज कर रहा है क्या मोलिकुलर वेट हमारा पॉलीमर का इंक्रीज करता जा रहा है ठीक है

चलो अरे सिंपल सी बात है यार तुम लोग को अगर ये बताना पड़ रहा है प्योरिटी कुछ ऐसे हैं भाई साहब जो नीट का शौक रखते हैं कुछ ऐसे हैं जो कोल्ड ड्रिंक या सोडा के साथ लेते हैं हां जी कौन प्योर ले रहा है प्योर कौन ले रहा है नीट वाला या सोडा वाला तुमको साफ पता है कि सर जो नीट वाला ले रहा है वो प्योर ले रहा है तो पहले तो तुम्हारा जो रिएक्टर में मिला था बल्क रिएक्टर में वो नीट प्रोडक्ट था उसमें ना वाटर था ना कोल्ड ड्रिंक था ना सोडा था लेकिन अभी जो तुमको मिल रहा है वहां पर मैं क्या है वहां पर हमारे पास इसके साथ में क्या है वाटर भी है स्टेबलाइजर भी है समझ में आ रहा है तो किसको असर जल्दी करेगी किसको असर देर में करेगी तो तुम लोगों को कंसंट्रेशन अगर समझ में नहीं आ रहा मतलब प्रॉब्लम हो रही है यार भाई प्योरिटी का सिग्निफिकेंस समझने का ट्राई करो ठीक है व्हाट इज प्योरिटी चलो एक बार इसको जरा रीड कर लेते फटाफट से सस्पेंशन कॉल्ड एज द बीट पर्ल और ग्रेन्युलर पॉलिमराशन हम इसको बोलते हैं Granules के फॉर्म में हमें पार्टिकल्स मिलते हैं यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है ऑल कॉमन थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी मेड बाई दिस मेथड जितने भी हमारे पास में कॉमन थर्मो प्लास्टिक्स आपकी होती हैं अभी पता चलेगा आगे थर्मो प्लास्टिक क्या है वो सारी इससे बन सकती है मतलब जो भी एडिशन पॉलीमराइजन आराम से हो सकता है यहाँ पर कोई समस्या नहीं है हीट भी हमारे पास एब्जॉर्व हो जा रही है अल्टीमेटली कन्वर्जन भी हमारा बढ़ जा रहा है मतलब पोलीथालीन पॉलीप्रोपालीन पॉलीब्यूटालीन ठीक है ना स्टाइरिन पीवीसी सब यहां से बन सकता है ठीक है अब सस्पेंशन पॉलिमेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मीडियम वाटर है हमारा मोनोमर स्टेबलाइजिंग एजेंट्स स्टेबलाइजिंग एजेंट में कौन है डिटर्जेंट हमारे पास एंड मोनोमर सॉल्युबल इनिशिएटर मोनोमर के साथ में सॉल्युबल होने वाला इनिशिएटर हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फेज का टिपिकल इनिशिएटर्स हमारे पास बेंजिल टाइबोटाइल डाइऑक्टाइल पोक्साइड वही मैंने आपसे बताया था जो ऑर्गेनिक फेस के हैं वो हम यहाँ पर इनिशिएटर इस्तेमाल करते हैं द मोस्ट कॉमन स्टेबलाइजर्स आर वाटर सॉल्युबल नॉन मिसल फॉर्मिंग स्टेबलाइजर्स कैसे हैं वाटर सॉल्युबल होना चाहिए डिटर्जेंट हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है नॉन फॉर्मिंग सच एज मेथाइल सेलुलोज पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड स्टार्च हम ये इस्तेमाल करते हैं आपका यहाँ पर किसके फॉर्म में स्टेबलाइजर्स के फॉर्म में यहां से हमारे पास अल्टीमेटली मिलेगा ठीक है ना द सर्फेक्टेंट्स एंड मोनोमर ड्रॉपलेट्स एंड पॉलीमर पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी दिस पार्टिकल्स उनको कलेक्ट नहीं होने देगा दोबारा से ये काम किसका का है पॉलीमराइजेशन इज कैरीड आउट इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स टाइनी बल्क

कोई डाउट मजा आया इस पढ़ के ये भाई साहब वो टेक्निक है जहां से क्वेश्चन जब बनता है दिमाग के पे छिल जाते हैं अब तुमको इतना पता चल चुका है कि हर टेक्निक के अंदर क्या स्पेशलिटी है क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं ठीक है ना अगर कोई क्वेश्चन -कोई बनेगा तो आप हर क्वेश्चन करने के कैपेबल हैं यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप हर क्वेश्चन करने के कैपेबल हैं मैं इसीलिए आपसे बोलता हूँ चैलेंज के साथ में कि आप जाकर के बाकी ब्रांच से क्वेश्चन लगाइए तो सही देखिए जाकर के वहां पर आपसे क्वेश्चन निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं ठीक है ना चलो जी तो इस क्लास को आज यहीं से हम खत्म करते हैं ठीक है ना बाकी अगली टेक्निक हम कल स्टडी करेंगे बाकी कल से हम प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना भी स्टार्ट कर देंगे ठीक है हमारे जो डिफरेंट आपके पॉलीमर प्रोडक्ट्स होते हैं देखो इस दौरान इस रैपिड कोर्स के अंदर में सबसे ज्यादा टाइम जो मैं लूंगा पॉलीमर और पेट्रोलियम में लूंगा बिकॉज यही सबसे स्कोरिंग है बाकी के जो आपके टॉपिक है तो फटाफट खत्म हो जाएंगे ठीक है ना इसलिए कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखिएगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कंटेंट प्रैक्टिस हर चीज की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है लेकिन कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है ओके चलो तो ये टू जेड पीवेक्यू सीरीज जो है ना आप इसको लगाना स्टार्ट कर सकते हैं कल के बाद से आप इसको लगा सकते हैं आराम से ठीक है तो यहां से आप क्वेश्चंस लगाने का ट्राई करिएगा यहां भी मैंने क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कराए हैं पहले पॉलीमर कराया है फिर हमने पेट्रोलियम करा है फिर बाकी प्रोडक्ट्स किए हैं तो यहां भी मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं टॉपिक वाइज ही आपको मिलेंगे और इसके साथ अगर आप कैमकर इंजीनियरिंग क्वेश्चन कर लेंगे तो और अच्छा रहता है नहीं भी करेंगे को भी कोई दिक्कत नहीं है है ठीक तो यहां से काफी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी पॉलिस्टायरिन को कैसे जज करेंगे करने के वो बल्क में हुआ है सस्पेंशन में देखो एक चीज है जो पॉलिस्टायरिन कंपाउंड हमारे पास में है पॉलिस्टाइरिन हमारा एक थर्मोप्लास्टिक है तो पॉलिस्टाइरिन अगर हम बल्क करेक्टर से बनाते हैं तो वहां से हमारे पास जो पॉलिस्टाइर मिलेगा वो प्योर मिलेगा लेकिन उसका कन्वर्जन कम मिलेगा बहुत ध्यान सुनना पॉलिस्टाइर जब हमारे पास बनेगा तो वहां पर वो प्योर मिलेगा लेकिन उसका कन्वर्जन कम होगा मतलब आपको अगर 100 के जी आपने अगर स्टायरिन लिया है तो 100 के जी का 30 किलो केवल हमारे पास पॉलिस्टाइर मिलेगा वहां से ही बना सकते हैं वहां अगर आप चाहते हैं कन्वर्जन हाई करना तो वहां पर वही मैंने बताया ना कि आप वहां पर क्या करो वहाँ पर सीरीज में लगाओ लेकिन यहां से जो पॉलिस्टाइर हमारे पास मिलेगा इस सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन से उसका कन्वर्जन हमारे पास हाई होगा मैंने आपसे बोला था ना कि यहां पर बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा टेक्निक से बनेंगे तो डिपेंड ये करता है कि विच इज प्रोसेस विच प्रोसेस गिव्स यू द बेस्ट कन्वर्जन बेस्ट मॉलिकुलर वेट तो अगर कन्वर्जन या मोलिकुलर वेट वाइज देखेंगे तो हमारे लिए सस्पेंशन बेस्ट है अगर आप प्योरिटी वाइज देखेंगे तो हमारे लिए बल्क बेस्ट है तो अगर आप बोलोगे सर इंडस्ट्री के अंदर कौन से इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री के अंदर हम सस्पेंशन इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारा पॉलिस्टाइरिन बल्क से भी बन सकता है पॉलीथालीन बल्क से भी बन सकता है मतलब जितने थर्मोप्लास्टिक है बल्क से भी बन सकते हैं लेकिन बनता किससे है वो डिपेंड करता है हमारा इंडस्ट्री में प्रोजूजन वाला प्रोसेस तो इस इंडस्ट्री में बनता है हमारे पास कहाँ से सस्पेंशन से जैसे अभी आप पीवीसी देख रहे हो तो पीवीसी आपने एग्जाम्पल देखा अभी भी जस्ट देखा पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी हमारा आगे अभी से भी बनेगा अब क्वेश्चन ये आता है सर हम बनाए किससे ठीक है ना तो इसका आंसर आपको कल पता चलेगा तो हमारे पास एक पॉलीमर को बनाने के मल्टीपल हमारे पास रूट्स हैं। मोस्ट सुटेबल क्या है डिपेंड्स ऑन योर प्योरिटी। आप चाहते क्या हो कन्वर्जन ज्यादा चाहते हो कि प्योरिटी ज्यादा चाहते हो ठीक है चलो जी दूसरा इंपॉर्टेंट दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जनरेशन कंट्रोल जो है ना ये मैंने आपका स्टार्ट किया है अभी ठीक है तो इसके अंदर न्यू टॉपिक आज से मैं स्टार्ट करूंगा और हीट एक्चेंजन ऑपरेटर के प्रैक्टिस क्वेश्चन कल मैंने लिए थे रात में साढ़े बजे आपने अगर बाई चांस मिस कर दिया है तो उसको क्लास को जा करके आप देख सकते हैं और इसका नेक्स्ट क्लास आपका या तो मैं आज लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा लिंक आपको मिल जाएगा अगर आपकी आज क्लास अगर नहीं होती है तो आप किसकी क्लास में है ना वो आपको नेक्स्ट वीकेंड में मिलेगी बिकॉज कल से साढ़े नौ बजे आई थिंक आपकी कोई न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है ठीक है और दूसरा कि आपके पास में ये मेरे चारों सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर फ्रूड मैकेनिक्स ठीक है ना काम का टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल ऑपरेशन का प्लेलिस्ट अवेलेबल है यहाँ पर आपके प्रैक्टिस क्लासेस क्लासेस्यूज हर चीज आपकी ऐड है तो आप जाकर के यहाँ से कभी भी देख सकते हैं अभी मैंने आपका रिसेंटली जो बैच स्टार्ट किया था ठीक है ना तो इसके अंदर मेरा आई चल रहा है एस एल एस बैच गेट के लिए था मिशन बैच गेट के लिए था और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि अगर आपका कोई भी कलीग या जूनियर है जो गेट ट्वेंटी फोर की प्रिपरेशन करना चाहता है गेट ट्वेंटी फोर बोल रहा हूं मैं प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनको सर्कुलेट करिए कॉस्ट में आपके पास अभी प्लान चार महीने का ही है ठीक है ना सत्रह हजार रुपए पे करके जो भी आप प्लस से बेनिफिट लेना चाहते हो ले सकते हो ठीक है इसके अलावा आप चाहते हो कि मेरा बार के एग्जाम तक मेरे पास बेनिफिट बना रहा है तो सिक्स प्लस टू है आपके पास अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज प्लान आराम से चूज करके और अपनी प्रिपरेशन आप कंप्लीट कर सकते हो सबसे बेस्ट प्लान आपको मिल रहा है सबसे लोवेस्ट कॉस्ट पर ठीक है ना बेनिफिट कैसे लेना है अगर आपको प्रॉब्लम लगती है सर कैसे कंप्लीट करें क्या करें वो मेरे से पूछ लेना मैं आपको बता दूंगा कोड मेरा जानते हो एसके पी हंड मेरा कोड है और ये मेरे पास जितने भी आपके वैकेंसीज निकल करके आ रही हैं इनका गूगल शीट आपके पास अवेलेबल है नहीं है तुम्हें से ले लीजिए अपने पास सेव करके मत रखो अपने जूनियर्स को दिया करो यार इतना तो कर सकते हो ना एटलीस्ट मैं ये चाहता हूं कि हर कैमिकल इंजीनियर को यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास ऑप्शन क्या हैं चाहे पी एस यूज के हों चाहे हायर स्टडीज के हों या फिर हमारे पास में क्या है कहीं पर भी आपका ओवरसीज कंट्रीज में आपके पास कोई कोर्स करना हो सबके सब ऑप्शन सब आपको पता हों इसलिए इसको शेयर किया करो उनको भी बताया करो ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले ठीक है चलो फिर तो इस क्लास को आज यहाँ से फिर तक करते हैं है ना मिलेंगे कल सुबह सेम टाइम पर सात बजे क्लास आपकी होगी चांस आपको लिंक अगर नहीं दिखता है कल का लिंक कभी कभी लेट नाइट बनता है आप बेफिकर रहा करो मैंने आप आज से बोल दिया कि कल आपकी क्लास होगी मतलब आपके क्लास होगी ठीक है ना हाँ, टेक्निकल रीजन से चांस कुछ अगर हो जाता है तो लेकिन क्लास आपकी जरूर होगी अगर मैं क्लास अगर नहीं लूंगा नेक्स्ट डे तो आपको मैं पहले ही इन्फॉर्म करूंगा ठीक so, है सो थैंक यू ऑल द बेस्ट बेस्ट ऑफ लक रिविजन करते रहिए टेस्ट देते रहिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टाइम पर आपके लिए ठीक है थैंक यू बेटा कंपाउंड थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग कैसे पता चलेगा थोड़ा सा वेट कर लो बिकॉज जब मैं आऊंगा आपको आगे जब ठीक है ना तो वहां पर मैं सब आपको बताऊंगा एक्चुअली थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप ठीक है अपूर्व थैंक यू बाय